मैं सोच रहा हूँ कि नाइट विंग जो अपनी लिस्ट पे था उसे हम लोगों ने पकड़ लिया, तो शिलेट को भी पकड़ लें क्या? ठीक है, रिस्क लेते हैं। चल बेटा शिलेट, एक और बार बैटल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। जो चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता किसी ने करी होगी। शिलेट से हम लोगों ने बहुत ज्यादा अर्ली लेवल पे पंगा ले लिया, बट वेट, इसने तो मुझे हवा में फ्रीज कर दिया है। और बताओ शैडो फैमिली, क्या चल रहा है? काफी टाइम हो गया ना, हम लोगों ने अपने चैनल पे कुछ अलग नहीं खेला है। अरे यार, अब ये फिर से दूसरे गेम्स खेलने का ट्राई करेगा और GTA 5 को भूल जाएगा। क्या बात है, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो। अरे मेरे कहने का मतलब था कि तुम लोगों ने एक गैस कर लिया कि आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नया गेम ट्राई करने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के मेन गेम को भूल जाऊंगा। भाई बस करो यार। एक और यूट्यूबर ऐसे ही कहता था शैडो भाई, अब तो वो महीने में एक दो वीडियो डालता है। देखो शैडो फैमिली, गेम सब लोग खेलते हैं, बट एक गेम को खेलने वाला वो गेमर ही होता है जो कि उसे बनाता है, और ये बात अपनी शैडो फैमिली काफी ज्यादा अच्छे से जानती है। तो आज से हम लोग अपने चैनल पर एक ऐसे गेम की सीरीज को शुरू करने वाले हैं जो कि पूरा एडवेंचर के साथ भरा हुआ है। एक ऐसा गेम जहां पर हमारी शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जहां पर पोकेमोन जैसे क्रिएचर्स भरे पड़े हैं और इन्हें हम लोग प्यार से पैल्स बुलाते हैं। और एक बात बताओ शैडो फैमिली, क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि इस पैल्स की दुनिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? एग्जैक्टली, पैल वर्ल्ड। ये गेम पूरा पोकेमोन से इंस्पायर्ड है। जैसे उस सीरीज के अंदर हमें यहाँ पर पोकेमोन को पकड़ना होता था, पैल वर्ल्ड के अंदर हमें पैल्स को पकड़ना होता है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे पैल्स होते हैं और कुछ बुरे पैल्स भी होते हैं, बट हर किसी पैल को हम लोग इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। पोकेमोन्स की तरह हमें यहाँ पर पैल्स की भी पहले हेल्थ वगैरह को कम करना पड़ता है, उनके साथ बैटल्स करके उसके बाद यहाँ पर हम लोग ना एक पोकेबॉल की तरह पैल्स पेयर को यूज कर सकते हैं और उसको फेंकने के बाद हम लोग अपने पैल्स को पकड़ सकते हैं। बट क्या ये इतना ज्यादा आसान होगा? इसके बारे में तो हमें तभी पता चलेगा जब आप लोग अपने आज वाले पैल वर्ल्ड के पहले एपिसोड को देखने वाले हो, क्योंकि लिटरली पहले एपिसोड के अंदर जो मैंने इस एपिसोड में तबाही मचाई है ना शैडो फैमिली, मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है। बट आज वाले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अपने चैनल पे पैल वर्ल्ड का पहला वीडियो है, तो इस वाले वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए, तो हम लोग अपने चैनल पे पैल वर्ल्ड की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सब लोग जाकर जल्दी से लाइक के बटन को तोड़ दो। ये पहली बार होगा जब हम लोग अपने चैनल पे पैल वर्ल्ड को ट्राई करने वाले हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मजा भी बहुत आने वाला है और इसमें मेहनत भी काफी लगी है। तो अपने सीट बेल्ट आप लोग बांध लो और हम लोग चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ओके, तो हम लोग फिलहाल अपने गेम के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर को ना थोड़ा सा अच्छा दिखने में बनाना होगा। वैसे मेरा कैरेक्टर तो काफी ज्यादा सही लग रहा है यार, देखकर लग रहा है कि ये किसी जगह का राजा वगैरह है। बट एनीवेज, मुझे अपने कैरेक्टर को कुछ अलग सा लुक देना था, तो हाँ मैंने यहाँ पर इसके नीले रंग के बाल कर दिए, हरी इसकी आंखें और बंदे की जॉलाइन तो काफी सही है भाई। वैसे तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ये बंदा मेरे फेस रिवील से सिमिलर दिखता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रियल लाइफ में मैं ज्यादा हैंडसम हूं, बट एनीवेज तुम लोग टेंशन मत लो, फेस रिवील का सीन पूरा अलग है। बाकी यहाँ पर जो अपना कैरेक्टर है ना, वो पूरा का पूरा एकदम रेडी हो चुका है, बंदा देखने में काफी सही लग रहा है। तो फटाफट से हम लोग अपने गेम के आइलैंड के अंदर चलते हैं। तो अपना गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है एंड हम लोग पहुंच चुके हैं उसी जगह पर जहां पर से हर पैल वर्ल्ड प्लेयर की शुरुआत होती है, विंड स्वैप टेल से, शायद ये इस जगह का नाम है। बाकी ये देखो यार, ये अपना वही आइलैंड है जहां पर हम लोग अपना एक नया एडवेंचर शुरू करने वाले हैं। मतलब एक बार इस नजारे को देखो यार, मैं इस दुनिया में कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर पूरा फ्रीडम है। सामने वो माउंटेन्स हैं, उस वाली साइड में भी कुछ अलग टाइप के माउंटेन्स हैं। मैं इस पूरे गेम को एक्सेस कर सकता हूँ यार। इस वाली सीरीज में ना बहुत तगड़े लेवल का मजा आने वाला है। बाकी ये देखो, यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स हैं जिनको हम लोग पैल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ये जो गेम है वो यहाँ पर पोकेमोन से इंस्पायर्ड है, और जैसे उस सीरीज के अंदर यहाँ पर पोकेमोन होते थे पैल वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पर ये पैल्स होते हैं और काफी क्यूट लग रहे हैं यार। बट अभी हम लोग इनको यहाँ पर पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको पकड़ने के हमें एक पैल्स पेयर नाम की बॉल चाहिए पड़ती है, जैसे पोकेमोन में हमें पोके बॉल चाहिए होती है। तो हाँ, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर कितने भी पैल्स को पकड़ सकते हैं। बाकी देखने में तो ये बंदा काफी क्यूट लग रहा है यार। एक सेकेंड, ये कोई शीप वाला पैल है क्या? भाई इसका चलने का तरीका देखो, बिल्कुल मेरे चैनल की ग्रोथ की तरह चल रहा है भाई, मैं रो दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चिकन वाला पैल भी है जिसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, अभी के लिए आपको इस गेम के बेसिक्स तो पता होंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह इस गेम को खेल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज को शुरू करा है पूरे के पूरे एक नए एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई जो ये दुनिया है ना, इसको एक्सप्लोर करने में तो काफी मजा आएगा। बट उससे पहले यहाँ पर आप लोग ये जो जगह देख रहे हो ना, जहाँ पर से ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही है, इस स्टैचू को कहते हैं फास्ट ट्रैवल। तो फटाफट से हम लोग ना पहले यहाँ पर इसको अनलॉक कर लेते हैं एंड इसकी मदद से हम लोग लिटरली अपने मैप पर कहीं पर भी जा सकते हैं। फिलहाल जो अपना मैप है वो यहाँ पर काफी छोटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस आइलैंड को भी एक्सप्लोर करना शुरू करा नहीं है। बट हाँ, जैसे जैसे हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, ये मैप काफी ज्यादा बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो जाएगा। मुझे आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर अपना एक बेसिक काम कर लेते हैं, अपने लिए यहाँ पर अपने इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह में बनाने पड़ेंगे। थोड़ी सी और लकड़ी वगैरह मैं यहाँ पर तोड़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने गेम के पहले बेसिक टूल्स बना लेते हैं, जैसे कि एक स्टोन पिकैक्स, एक वुडन एक्स वगैरह, जिससे हम लोग अपने गेम को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपना लकड़ी वगैरह का तोड़ने का काम शुरू करता हूँ, और अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं है, तो
हाँ यार, मुझे यहाँ पर फिलहाल अपने हाथ से इस लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा। बाकी ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर ना 4 वुड के पीसेस मिल चुके हैं। थोड़ी बहुत और यहाँ पे लकड़ी तोड़ते हैं और उसके बाद अपने टूल्स फटाफट से बना लेते हैं। आई थिंक अभी के लिए अपना काम हो चुका है। फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर अपनी एक प्रिमिटिव वर्क बेंच पहले बना लेते हैं। ओके, वर्क बेंच मैंने यहाँ पर लोड कर दिया है। फटाफट से इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना टूल्स वगैरह का काम शुरू हो जाएगा। तो अपनी वर्क बेंच यहाँ पर एकदम रेडी है। अभी के लिए देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या बना सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ स्टोन पिकेक्स और एक्स वगैरह नहीं बना सकते। भाई, एक पत्थर अभी भी अपने पास कम पड़ रहा है यार। यहाँ पर 5 पत्थर चाहिए और मेरे पास एक ही पत्थर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी से एक स्टोन ढूंढ के लाता हूँ और अपना हम लोग ना टूल्स बना लेते हैं। डन गाइस, फाइनली अपने यहाँ पे सारे के सारे बेसिक टूल्स एकदम रेडी है। मैं एक बार अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो, मेरे पास यहाँ पर एक स्टोन की पिकैक्स है, एक मेरे पास यहाँ पर स्टोन की एक्स है और एक हैंड हेल्ड टॉर्च है जो कि यहाँ पर एक मशाल का काम करेगी। रात में अपने प्लेयर को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक वुडन क्लब है जिसको आप लोग यहाँ पर बैट कर सकते हो और इस बैट की मदद से मैं ये कर सकता हूँ, चल तेरी भैंस की टांग। अभी के लिए कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए पड़ेगा, तो हाँ यार, ये काम मुझे करना पड़ेगा। एंड ये देखो, मुझे यहाँ पर एक अंडा मिल चुका है खाने के लिए और एक चिकन मिल चुका है। क्या बात है, गेम के पहले ही पहल को मैंने मार दिया अपने पेट की पूजा करने के लिए। चलो ठीक है, बाकी वेट यार, यहाँ पर ना कुछ साइड में चमक रहा है। ओ भाई, ये देखो, यहाँ पर एक पेल्स पेयर है। जैसे कि पोकेमॉन में यहाँ पर पोकेबॉल्स होती थी पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए, यहाँ पर एक रोड पे हमें एक पेल्स पेयर मिल चुका है। भाई साहब, क्या बात है, ये देखो यार। वैसे ना यहाँ पर गेम के अंदर पहले अनलॉक करना पड़ता है टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाकर। ये देखो, मेरा पेल्स पेयर अभी तक अनलॉक नहीं था, बट किस्मत से मुझे यहाँ पर जमीन पर एक पेल्स पेयर पड़ा हुआ मिल गया है। और अभी के लिए यहाँ पर हमें सारे के सारे बेसिक टूल्स वगैरह मिल चुके हैं। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं नीचे वाले साइड में ना जाकर थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। वेट, मुझे ना यहाँ पर 2 पेल्स मिल गए हैं और इनका नाम क्या है, कैटीवा। भाई, ये पेल तो मुझे देखते ही भागने लगे, इतनी गंदी शक्ल भी नहीं है यार, बट पता नहीं क्या सीन है। ये देखो, यहाँ पर ना काफी सारे पेल्स हैं और एक काम करते हैं यार, फटाफट से हम लोग इनको पकड़ते हैं। वेट, मुझे यहाँ पर एक और पेल्स पेयर जमीन पे पड़ा मिल गया है। पता नहीं यार क्या चल रहा है, बट ये देखो, आसपास में ना यहाँ पर काफी सारे पेल्स वगैरह है जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं। ये तो एकदम नॉर्मल पेल्स है, मुझे ना थोड़े से खतरनाक पेल्स पकड़ने हैं। बट कोई बात नहीं, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। भाई, ये मेरी किस्मत में क्या हो रहा है यार, मैं यहाँ पर लिटरली पेल्स पेयर मिलते ही जा रहे हैं जमीन पे पड़े हुए। वैसे इन वाले पेल्स पेयर्स को बनाने के लिए हमें पैल्डियम फ्रेगमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि हमें यहाँ पे जमीन पे रैंडमली मिल जाता है, बट उसकी जगह मुझे पेल्स पेयर डायरेक्टली 3-3 मिल चुके हैं। तो अभी ना अपना काम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये देखो, यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे पेल्स दिख रहे हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट से हम लोग अभी एक पेल को पकड़ लेते हैं। वैसे यहाँ पर ना अभी छोटे मोटे पेल्स है, तो हाँ, इनको पकड़ना कोई भी ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बट क्योंकि अपने ये पहले पेल्स है तो पकड़ लेते हैं। ओके, इस वाले पेल की मैंने यहाँ पर हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दिया और अभी हमें फेंकना होगा इसके ऊपर पेल्स पेयर। एंड ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला पैल पकड़ लिया। वेट, पैल तो मैंने पकड़ लिया, बट उसका दोस्त यार यहाँ पे नाराज हो गया है। अबे यार, ये बंदा मेरा क्या ही कर लेगा। वेट यार, ये तो बेंटन के कैनन बॉल की तरह घूम रहा है, बट घूमने के बाद बंदे को चक्कर आ गए। चलो ठीक है, अभी के लिए काम करते हैं। इसके दोस्त को तो मैंने पकड़ लिया, तो इस वाली कैटेगरी का पैल मुझे चाहिए नहीं। तो हाँ, मैंने इसको मार दिया है और इसका ना थोड़ा सा खाना वगैरह मुझे मिल गया है। और वो देखो, सामने वाले साइड में भी ना और भी बहुत सारे पैल्स हैं। बाकी अभी काम करते हैं, यहाँ पर ना रात थोड़ी देर में होने वाली है और हमें ना खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए ये जो यहाँ पर जितने भी चिकन वाले पोकेमॉन सिख रहे ना, इनको हम लोग ना फटाफट से पकड़ लेते हैं। पकड़ क्या लेते हैं, इनको मार देते हैं ताकि हम लोग मतलब रात में कुछ खाने का इंतजाम वगैरह हो जाए। और एक सेकंड, ये तो मुझे देखकर भाग रहा है। भाई, किसी से शिकायत करने के लिए जा रहे क्या? रुक जा बेटा, तुझे भी पकड़ के खाने वाला हूँ। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये तो कुछ ज्यादा तेज भाग रहा है। डन, तो अपना काम यहाँ पर हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक पैल को पकड़ लिया है और 2-3 पैल को मारकर मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेंटरी में कुछ खाना वगैरह भी रख लिया है। बाकी अभी भी मेरे पास 2 पैल्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम लोग और कौन कौन से पैल्स पकड़ सकते हैं। वेट, यहाँ पर मुझे कैटीवा नाम के काफी सारे पैल्स दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इनको ही पकड़ लें। मुझे नहीं पता कि ये वाले पैल्स किस काम में आते हैं, बट मुझे इतना पता है कि अभी मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे कैटीवास का झुंड है। अगर मैंने एक को पकड़ा तो ये लोग मुझे मारने तो नहीं आएंगे ना, बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कैटीवा है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा मारना शुरू करता हूँ और इसकी ना हेल्थ मुझे पूरी कम करनी पड़ेगी। ओके, काफी हेल्थ कम हो गई और अब इसको पकड़ने का ट्राई करते हैं, क्या हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। वेट, 100%, ओके, ये वाला पैल भी मैंने पकड़ लिया है। भाई, मतलब इतने छोटे छोटे पैल्स को पकड़ के तो मैं खुश ऐसे हो रहा हूँ जैसे मैंने पता नहीं क्या ही पकड़ लिया। बट हाँ, शुरुआत अपनी हो चुकी है, हम लोगों ने यहाँ पर अभी 2 पैल्स को पकड़ लिया है। यहाँ पर पैल्स के नाम पे तो और भी बहुत सारे कैटीविया वगैरह हैं, बट नहीं यार, छोटे मोटे पैल्स मुझे नहीं पकड़ना है। बाकी ये देखो, यहाँ पर ना और भी कुछ चिकन्स वगैरह हैं, इनको भी ना मार के ना फटाफट से थोड़ा सा खाना वगैरह ले लेते हैं। डन, अपने खाने का इंतजाम तो मुझे लग रहा है कि हो चुका है, आराम से हम लोग रात को ऑमलेट वगैरह बनाकर खा सकते हैं। बाकी ये देखो, इस टाइम पर ना मेरे सामने यहाँ पर ना पूरे के पूरे पैल्डियम फ्रेगमेंट का एक स्टोन है और अगर हम लोग उसको
तोड़ते ना तो ये देखो यहाँ पर हमें पैल्डियम फ्रेगमेंट मिल रहा है। इसी पैल्डियम फ्रेगमेंट से पेल्सपियर वगैरह बनाए जाते हैं। तो फटाफट से ना मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ ताकि बाद में मैं और भी बहुत सारे पेल्सपियर बना सकूं और ज्यादा से ज्यादा पेल्स को पकड़ पाऊं। भाई मुझे इस गेम को ना पूरा एक्सप्लोर करना है और सारे के सारे पेल्स को पकड़ के निकालना है। अभी के लिए मौसम देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर थोड़ी देर में रात होने वाली है, सूरज ढलने वाला है। तो हाँ यार, हमें यहाँ पर एक बेड वगैरह भी बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग माइनक्राफ्ट में बेड बनाते हैं, सो जाते हैं तो सुबह हो जाती है, तो वो काम भी हमें सेम यहाँ पर पैल वर्ल्ड के अंदर भी करना होता है। भाई ये जो गेम है ना, ये ऐसा लगता है कि मतलब माइनक्राफ्ट को ना RTX वाले शेडर्स दे दिए हैं, वो भी बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के। बाकी अपने खाने का इंतजाम वगैरह तो हो चुका है, तो अभी काम करते हैं, कोई सी ना प्यारी सी जगह वगैरह ढूंढ लेते हैं जहां पर हम लोग आराम से आज रात में सो पाएंगे और एक छोटा सा बेस वगैरह भी बना लेते हैं। इस गेम के अंदर आप लोग अपना एक पूरा का पूरा घर या फिर मैंशन भी बना सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पर ना काफी सारी लकड़ी वगैरह भी लगेगी। वैसे ये देखो लकड़ी ना यहाँ पर रास्ते में भी ना काफी सारी मिल रही है, तो इसको भी हम लोग उठा लेते हैं, घर बनाने में ना बहुत ज्यादा काम आएगी। और यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे छोटे छोटे पैल्स दिख रहे हैं। यार ये वाले पैल्स किसी काम के नहीं है, मुझे कुछ बड़े पैल चाहिए। एक सेकेंड, सामने मुझे एक 11 लेवल का कोई तो बड़ा पैल दिख रहा है। भाई वो देखो, और यहाँ पर एक और पैल्डियम फ्रेगमेंट है, मुझे लगा पैल्सपियर है। बट क्या हम लोग इस वाले पैल को पकड़ सकते हैं? भाई यहाँ पर ना ये 11 लेवल का है, मुझे लगता नहीं कि मेरे पास अभी इन्वेंटरी में कोई भी ऐसा पैल है जो कि इससे लड़ पाएगा और हम लोग इसको पकड़ पाएंगे। बट अगर ये हाथ में आ गया ना तो मजा भी आ सकता है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर चीजें कलेक्ट करी है। और ये देखो यहाँ पर एक लेवल 38 का पैल है जो कि मेमोरिस्ट है, वही जंगली हाथी। और एक सेकेंड, इसके पीछे से यहाँ पर एक पर्पल कलर का डियर निकला। भाई ये क्या चीज है? भाई यार देखने में तो वो देखो वहां पर एक और हिरण है। यार ये सारे यहाँ पे डियर्स कितने सारा प्यारे लग रहे हैं ना, इनको भी हम लोग पकड़ सकते हैं। बट ये भी यहाँ पर ना 9 लेवल के हैं, तो हाँ इनको पकड़ना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट भाई वो जो चीज है ना, जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर माउस कर रहा हूँ, देखो ऊपर लिखा रहा है किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि ये बहुत ज्यादा तगड़े लेवल का पैल है। और अगर हम लोगों ने बस एक बार इसको पकड़ लिया ना, अपने पूरे गेम की एडवांटेज सेट हो जाएगी। बट इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसको पकड़ना फिलहाल औकात से बाहर है। अगर मैंने यहाँ पे गलती से इसके यहाँ पे नाखून पे भी मार दिया ना, भाई ये बंदा मुझे पूरा कुचल देगा। बट कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा आज नहीं तो कल मेमोरिस्ट को तो हम लोग पकड़ ही लेंगे। भाई अगर मैंने अपने पहले ही एपिसोड में मेमोरिस्ट को पकड़ लिया तो क्या क्रेजी चीज हो सकती है ना। वैसे इम्पॉसिबल है, बट देखते हैं। बाकी फिलहाल मैं यहाँ पर ना एक जगह पर आ चुका हूँ। और वेट यार, ये जो जगह है ये काफी ज्यादा सही है यार। वो देखो पीछे वाले साइड में यहाँ पर पानी, और वेट अपना प्लेयर यहाँ पे हंगरी है। कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर ना इन्वेंटरी में काफी सारा खाना है। वेल काफी सारा तो नहीं है, बट हाँ जो है उसको अभी के लिए हम लोग यहाँ पे काम चला लेते हैं। बाद में हम लोग और पैल्स को पकड़ सकते हैं। और वेट, यहाँ पर एक क्रिमिस नाम का पैल है, ये कोई फॉक्स है या फिर ये कोई रैबिट है? बट अभी अगर अपने हाथ में आ चुके ना तो फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर इसको भी पकड़ लेते हैं। बेटा कहाँ भागेगा? और एक सेकंड रुक जाओ, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अपने पैल को निकालता हूँ। क्या ये पैल मेरे से लड़ पाएगा? भाई एक शीप की लड़ाई में पता नहीं कैसे करा रहा हूँ। वेट भाई, डैमेज तो उसने काफी ज्यादा दे दिया, बट नहीं उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। एक काम करते हैं, कैटीवा को भेजते हैं। क्या कैटीवा कुछ कर पाएगा? भाई लड़ाई तो काफी खतरनाक हो रही है भाई, और ये भी ना काफी ज्यादा कूद रहा है। बट वेट, कैटीवा को वापस बुलाते हैं। मैं एक बार ट्राई करता हूँ उसके ऊपर ना पैल्स पेयर फेंकने का। अगर ये पकड़ा हो गया ना तो ठीक है यार, अभी के लिए छोटे मोटे पैल्स से सही, बट कुछ ना कुछ तो काम आएंगे। बाकी 70% ओके, पहली वाला भी कैप्चर हो चुका है। हमें यहाँ पर 3 पैल्स मिल चुके हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर उसका दोस्त आ गया है। मुझे लगा था ये पैल कैप्चर नहीं हुआ, बट नहीं इसका दोस्त है। बट अगर मैं इसके दोस्त को इसी से लड़वा दूं तो शायद अपना काम बन सकता है। भाई ये देखो, यहाँ पर आपस में इनकी लड़ाई हो रही है और मैं चीज का फायदा उठाने वाला हूँ। ये देखो इसको मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, इससे कुछ खास मिला नहीं, बट ठीक है कुछ वूल वगैरह मिल गया है। बाकी ये देखो यार, यहाँ पर ना रात हो चुकी है, तो हम लोग ना जल्दी से अपनी मशाल को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर भी ना एक फास्ट ट्रैवल है, इसे आप लोग कह सकते हो कि ये ना एक टेलीपोर्टर की तरह है। मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको अनलॉक कर लिया ना, तो इसके साथ साथ आसपास के जितने भी आइलैंड्स पे फास्ट ट्रैवल वगैरह को हम लोग अनलॉक करते हैं, हम लोग उन सारे के सारे आइलैंड्स पे आपस में ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ छोटे मोटे पैल्स वगैरह पकड़ लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अब ना यहां पर हम लोग अपना एक बेस बनाना शुरू कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये क्या चीज है? नाइट विंग। यहां पर एक उड़ने वाला पैल है जो कि दिखने में कोई ड्रैगन की तरह लग रहा है, बट एक बार इसका साइज देखो। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार, और ये उड़ सकता है। अगर हम लोगों ने इस वाले पैल को पकड़ लिया तो क्या इसका मतलब ये कि हम लोग इसके ऊपर उड़ के इस पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं? ये तो काफी मजेदार चीज है यार, बट अभी के लिए इससे लड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये वाला पैल भी यहाँ पर 11 लेवल का है, तो हाँ मुझे ना यहाँ पर कुछ चीजें वगैरह बनानी पड़ेंगी, जैसे कि एक एरो और बो वगैरह, ताकि मैं यहाँ पर उड़ने वाले पैल्स पर भी अटैक कर पाऊंगा। और मुझे ना यहाँ पर अभी बहुत कमजोर से पैल्स मिले हुए हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग पैल्स वगैरह को भी मुझे पकड़ना पड़ेगा जो कि हमें ऐसे पैल से लड़ने में मदद करेगी। पर टेंशन मत लो, मैं गारंटी देता कि इसी पहले पैल वर्ल्ड के एपिसोड के अंदर हम लोग इस नाइट विंग को पकड़ने वाले हैं, इसको लेवल अप वगैरह करवाएंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर ना उड़ के ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। बट उससे पहले ना हम लोग यहाँ पर एक पैल बॉक्स को निकाल लेते हैं, इसकी मदद से हम लोग ना यहाँ पर अपना एक बेस वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने पास जितने भी एक्स्ट्रा पैल्स होंगे ना, जिनको हम लोग अपने साथ में लेकर नहीं चल सकते, उन सभी को भी हम लोग अपने पैल बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपना भी पैल बॉक्स रेडी है। और ये देखो यहाँ पर ना मेरे पास अभी 3 पैल्स है, जिनमें से एक का नाम है क्रेमिस, एक का नाम है कैटीवा, एक का नाम है लैम्बॉल। लेकिन अभी के लिए मैं बस अपने बेस पर एक ही पैल
को लेकर आ सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जितने भी पेल्स को पकड़ूंगा उन सभी को मैं यहाँ पर अपने बेस पर ला सकता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे जैसे अपने बेस को बड़ा करूंगा ना, ये सारे के सारे पेल्स मेरी मदद भी करने वाले हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, अभी अपना जो बेस है वो एक ही लेवल का है, तो हम लोग यहाँ पर बस एक ही पेल को लेकर आ सकते हैं। बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जरा एक बार हम लोग ना यहाँ पर अपना बेस को अपग्रेड करके देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर बस एक वुडन चेस्ट बनानी है, उसके बाद यहाँ पर जो अपना बेस है वो लेवल 2 का हो जाएगा। वैसे बेस तो नहीं कह सकते थे, बट ऐसी जगह पर ना मुझे अपना बेड वगैरह बनाना है और एक छोटा सा प्यारा सा घर भी बनाना है जहाँ पर अपने पैल्स भी रहने वाले हैं। बट उससे पहले जरा मैं एक बार फिर से टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाता हूँ, एंड यहाँ पर ये देखो एक वुडन चेस्ट है, इसे भी हम लोग ना फटाफट से अनलॉक कर लेते हैं। और एक सेकंड, यहाँ पर कैंप फायर वगैरह है, इन चीजों को भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ। और वेट, ये देखो लेवल अप करने की वजह से यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक वुडन स्ट्रक्चर सेट भी मिल चुका है, ये ना अपने घर बनाने में काम आएगा। बाकी वेट, यहाँ पर एक शॉडी बेड है जिसपे हम लोग अपने प्लेयर को सुला सकते हैं, और उसके अलावा ये है स्ट्रॉ पेल बेड जिससे हम लोग यहाँ पर अपने पेल्स वगैरह को भी सुला सकते हैं, और ये रहे अपने कपड़े वगैरह। भाई मैंने काफी चीजें अनलॉक कर लिया यहाँ पे। एंड ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर बो और एरोज वगैरह है जिनसे हम लोग यहाँ पर किसी भी पेल पे अटैक वगैरह कर सकते हैं, ये ना अपनी बैटल में काफी ज्यादा मदद करेगा। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक वुडन चेस्ट बना लेते हैं। वेट, ओके, वुडन चेस्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कम से कम 15 वुड चाहिए, और मेरे पास 2 ही वुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ना अपने पास ना बहुत ज्यादा तगड़े लेवल की कुल्हाड़ी है यार, और जहाँ पर हम लोगों ने अपना पेल बॉक्स लगाया है जस्ट उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे पेड़ वगैरह को काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग खूब सारा वुड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अपना एक प्यारा सा घर बनाना भी शुरू करते हैं। एक वुडन चेस्ट भी हमें बनानी है। ऑल डन, तो अपना ये काम भी यहाँ पर हो चुका है, काफी सारा वुड मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मेरे पास ना 68 वुड आ चुका है, बट जो मेरे बैग की कैपेसिटी है ये देखो यार, ये जो अपना बैग है ना ये ऑलमोस्ट भर चुका है। इस गेम में लेवल अप करने के साथ साथ हमें यहाँ पर अपना बैग वगैरह अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग अपने प्लेयर्स की ना एबिलिटीज को भी अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। और गेम मुझे बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैट पॉइंट्स वगैरह हैं जिनसे मैं अपने प्लेयर की एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग ना जरा अपने प्लेयर के बैग वगैरह को अपग्रेड करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास एनहेंस स्टैट्स का ऑप्शन है, 3 स्टैट पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एंड ये देखो अपना प्लेयर यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, और जो अपने बैक की कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। बट कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है हम लोग ना फटाफट से यहाँ पर एक वुडन चेस्ट बना लेते हैं। आई थिंक अभी के लिए ये वाली जगह परफेक्ट है, जल्दी से इसको काम करते हैं। और वेट, ये देखो मुझे ना यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, जो अपना पैल हम लोगों ने पकड़ा था ना लैम्बॉल नाम का, उसने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, और काम करते करते ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना, बट हम लोग भी इसके यहाँ पर मदद करवा देते हैं। वेट, ये देखो यार, यहाँ पर ना लैम्बॉल ने कुछ लकड़ियां वगैरह कलेक्ट कर लिया है, और फिलहाल ये बंदा लकड़ी को लेकर शायद चेस्ट में रखने के लिए जा रहा है। क्या बात है यार। इसी के साथ गाइस यहाँ पर एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना तो कमेंट में जाकर लैम्बॉल ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और क्योंकि अपने चैनल पे पेल वर्ल्ड का पहला एपिसोड है, तो उसका लाइक टारगेट हम लोगों ने 5000 लाइक्स का रखा है, तो हाँ यार जल्दी से जाकर आप लोग 5000 लाइक्स का भी टारगेट कंप्लीट करवा दो। फिलहाल अपना काम यहाँ पर हो चुका है, पेल बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर एक बना लिया है जिसके अंदर हम लोग अपने सारे के सारे पेल्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं जो कि अपने बेस पे जरूरी था। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने एक वुडन चेस्ट भी बना लिया, और एक अपने पास एक प्यारा सा पहल भी है जो कि यहाँ पर अपनी मदद वगैरह करवाने वाला है। तो अभी ना एक घर बनाना शुरू करते हैं। वेट, उससे पहले यहाँ पर मुझे एक चेस्ट दिखाई दे रही है, इस चेस्ट को एक बार खोलते हैं, इसके अंदर क्या है। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ सामान मिला, और भाई 2 पैल्स पर भी मुझे इसके अंदर से मिल गए हैं, कुछ गोल्ड कॉइंस मिले हैं, मुझे नहीं पता कि इनका क्या यूज है। बट उससे पहले ना थोड़ा सा दोबारा से खा लेते हैं, भाई जो अपना प्लेयर है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा भूखा है। बट अभी ना अपने पास यहाँ पे लकड़ी वगैरह काफी सारी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना हम लोग अपना घर बनाना शुरू करते हैं। और ये देखो अपने पास ना बहुत सारे आइटम है जिनसे हम लोग अपना घर बना सकते हैं, तो सबसे पहले घर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक वुडन का बेस बनाना पड़ेगा। फटाफट से हम लोग यहाँ पर काम शुरू करते हैं। आई थिंक ये जगह वैसे परफेक्ट रहेगी क्या। डन, तो मैंने यहाँ पर अभी 6 लकड़ियों का बेस पूरा का पूरा बना लिया है, एंड आई थिंक जो अपना जमीन वाला बेस है वो यहाँ पर रेडी है। अब मुझे यहाँ पर एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक छोटी सी छत वगैरह भी बनानी है, एंड देन यहाँ पर हम लोग अपना एक बेड बनाकर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो ये काम भी ना हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो इस चीज को मैं यहाँ पर ना टाइम लैप्स में स्किप कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो एक बेस अपना रेडी है, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर कुछ वुडन की वॉल्स वगैरह भी लगा दिए हैं। बाकी मुझे यहाँ पर भी वॉल्स लगानी है और यहाँ पर भी, बट यहाँ पर से ना व्यू काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना एक वॉल बनाने की जगह क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक विंडो लगा दें। ये देखो अपने पास ना यहाँ पर एक विंडो का भी ऑप्शन है, एंड डन, यहाँ पर अपनी विंडो रेडी है। और ये देखो यार, यहाँ पर से कितना ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब एक बार सोच कर देखो, मैं यहाँ पर आराम से सोकर उठूंगा और सुबह उठते ही मुझे यहाँ पर ना काफी ज्यादा प्यारा व्यू मिलने वाला है। बाकी ठीक है, फिलहाल अपना ना यहाँ पे काम कंप्लीट करते हैं और अपना जो घर है ना इसको यहाँ पर पूरा बनाते हैं। वेट, यहाँ पर भी ना एक विंडो लगा देते हैं, काफी ज्यादा मजेदार लगेगा।
कुछ मजा नहीं आ रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने घर की रूफ है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे वुड की तो बना दिया, बट ये कुछ ज्यादा सिंपल है और इस वाले शेप से कनेक्ट करने में एक प्लेन रूफ को मजा नहीं आएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ और नहीं है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर एक वुडन स्लैंटेड रूफ है, एक बार हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। ओके भाई, ये देखो जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, ये एक्जेक्टली वही रूफ है जो कि हम लोग लगा सकते हैं। बट वेट, इस रूफ को हम लोग लगाने कैसे वाले हैं यार? मुझे इसको यहाँ पर उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बट देखकर लग रहा है कि इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एक सर्फेस चाहिए, क्योंकि ये देखो नीचे वाले साइड में ना यहाँ पर एक वुडन सर्फेस है और उसके ऊपर ये कनेक्ट हो रहा है। तो यार लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक सरफेस ऊपर वाली साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ये लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से एक बार मैं यहाँ पर वुडन रूफ को कनेक्ट कर देता हूँ एंड देन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे सरफेस वगैरह को बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रूफ फिर से पूरी की पूरी रेडी कर दिया है। रुको यार, मुझे लग रहा है ना कि मुझे बाहर वाली साइड में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली साइड से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और ऊपर जाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा क्या? भाई मेहनत तो बहुत है, बट ठीक है, आफ्टर ऑल ये सब कुछ अपने घर के लिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पर कुछ स्टेयर्स वगैरह बना लेता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर मैंने एक और वुड की स्टेयर बना दिया है एंड आई थिंक अभी मुझे एक और वुड की स्टेयर की जरूरत पड़ेगी। बट क्या इसको भी मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई। ओके, यहाँ पर अपना काम हो चुका है, मैंने यहाँ पर दो स्टेयर्स बना दिए एंड यहाँ पर एक्जेक्टली हमें वो स्लैंटेड रूफ बनानी है। तो फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं, स्लैंटेड रूफ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और ये देखो भाई, अब ये चीज ना थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी वेट, यहाँ पर ना आई थिंक शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, तो एक काम करते हैं, पहले ना अपने घर के नीचे वाले साइड में चलते हैं एंड यहाँ पर अभी एक प्यारा सा बेड बना लेते हैं। रुको यार, एक काम करते हैं, अभी के लिए ना इसको यहाँ पर एकदम कॉर्नर में बिल्ड करते हैं, ये सही है। फटाफट से भी हम लोग अंदर जाकर सो जाते हैं और कल सुबह हम लोग एक नया एडवेंचर शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सो गए हैं एंड गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह फाइनली हो चुकी है, पैल वर्ल्ड के अंदर एक नया दिन यहाँ पर अपना शुरू हो चुका है, ये अपना डे 3 है। और भाई यार, सुबह सुबह भी ये दुनिया ना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फिलहाल हम लोग अपने घर को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमें ना आज कुछ खतरनाक वाले पैल्स को भी पकड़ना है। वैसे जो अपना घर है आई थिंक बनने के बाद ना प्रॉपर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैंने एकदम यहाँ पर बेसिक घर बना लिया है, अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, तो फटाफट से अपना काम करते हैं। ये देखो यहाँ पर ना और कुछ स्लैंटेड रूफ वगैरह है, तो फटाफट से मैं इनको भी लगा देता हूँ एंड आई थिंक इसको मैं इस वाले शेप में कैसे लगा पाऊंगा, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी मैंने काफी सारे वॉल्स वगैरह लगा दिए हैं एंड एक स्लैंटेड रूफ मुझे यहाँ पर भी लगानी है। बट वेट यार, ये गेम मुझे लगाने क्यों नहीं दे रहा यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस वाली छत को कवर कर दिया है तो मैं यहाँ पर एक रूफ क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ यार, ये क्या सीन है? बट रुको यार, मुझे लग रहा है कि मुझे अपना थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगा पाऊंगा। यार ये लगनी तो चाहिए, ये लग क्यों नहीं रही है? रुको, फिलहाल एक काम करते हैं, इस वॉल को हम लोगों ने आधा बना लिया है, तो ट्रायंगुलर वॉल का यूज करके इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। डन, ये काम हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये काम भी यहाँ पर अपना हो चुका है, अपनी आधी वॉल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर ना दो एंट्रेंस खुली पड़ी है और इनको मुझे कैसे बनाना है यार समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा वुड भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो यार मेहनत सच में बहुत ज्यादा है अपने खुद की बेस को बनाने के लिए। फटाफट से इन वाले पेड़ों को दोबारा काटना शुरू करते हैं और वुड खूब सारा कलेक्ट करके अपने घर की छत को कंप्लीट कर लेते हैं। डन गाइस, यहाँ पर जो अपने घर की रूफ थी ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। भाई मत पूछो उसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, सिर्फ आप ही लोग जानते हो मैंने इसको कितना स्ट्रगल करके अपने घर की जो छत है ना उसको कंप्लीट करवाया। बाकी जो अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर है ना, इस पे आई थिंक कुछ ज्यादा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अपने पास ना दो विंडो है, तो बाहर की थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, बट जो ऊपर वाला फ्लोर यहाँ पर कुछ ज्यादा अंधेरा नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक आध वुडन वॉल को तोड़ देते हैं और उसकी जगह पर यहाँ पर ना एक प्यारी सी विंडो बना देते हैं। तो आई थिंक डिसेंबली मोड में मुझे जाना पड़ेगा एंड इस वाली वॉल को तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उजाला आ रहा है और एक पीछे वाली वॉल को भी तोड़ देते हैं। दो विंडो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ या फिर मैं इस वाले एरिया को ना मैं खुला भी छोड़ सकता हूँ। मतलब ये सोचो यार, यहाँ पर पीछे विंडो रहेगा और ये एरिया यहाँ पर खुला रहेगा तो मस्त लगेगा। फटाफट से ना मैं यहाँ पर पीछे वाली साइड में ना एक विंडो लगा देता हूँ। ये काम भी यहाँ पर अपना हो चुका है। ये देखो यहाँ पर ना पीछे वाली साइड में एक प्यारी सी विंडो आ चुकी है, यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा व्यू वगैरह दिख रहा है और सामने वाली साइड को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग इसको खुला छोड़ देते हैं। वैसे देखने में जो अब अपना घर है ना वो काफी ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है। बट चलो गाइस, जो अपना घर था ना वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है, कुछ अभी ज्यादा खास नहीं दिख रहा, बट हाँ थोड़ी बहुत यूनिक क्रिएटिविटी हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया और अपने घर को हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने अपने पैल्स का सोने का इंतजाम वगैरह भी कर दिया है। और इसी के साथ अगर हमें भी घर के अंदर सोना है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा बेड बना दिया है, दो अपने घर के अंदर विंडोज है। ये जो फ्रंट वाला व्यू है ना ये मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, बट क्योंकि यहाँ पर अपना जो घर वगैरह है वो पूरा का पूरा बन चुका है तो आई थिंक अभी टाइम आ चुका है थोड़ा सा ना अपने पैल्स के लिए खाने वगैरह का इंतजाम करना। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब कुछ ना तगड़े पैल्स पकड़ने का भी टाइम वगैरह आ चुका है। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग देख लेते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में हम लोग अभी और क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी क्लोथ वगैरह और अनलॉक कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, अब अगर हम लोग यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए जा ही रहे हैं तो अपने कपड़े वगैरह भी बना लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग ना अपने आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं यार रास्ते में हमें कैसे पैल्स वगैरह मिल जाए, तो हाँ पूरा हमें तैयारी के साथ जाना है। और ये देखो यहाँ पर एक फीड बॉक्स भी है और जिससे मेरे पैल्स खाना खा सकते हैं। भाई ये ज्यादा सही चीज है। रुको, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फीड बॉक्स बनाते हैं एक क्लोथ का आउटफिट, और जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना यहाँ पर अपने बेस को भी अपग्रेड कर देते हैं। बेस अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए? बस एक वर्क बेंच बनानी है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं।
ये तो सबसे ज्यादा लिटरली इजी काम है। डन, यहाँ पर हम लोगों ने अभी वर्क बेंच को लोड कर दिया है, अब इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा बनाने का भी काम है। लैम बॉल भाई, बंदा यहाँ पर भूखा है लेकिन इसने काम करवा दिया है, और ये देखो यहाँ पर ये खुश भी हो चुका है। पर ठीक है, यहाँ पर अपने जो टास्क था वो हो चुका है, और अभी टाइम आता है अपने बेस को ना लेवल 3 बनाने का। तो बेस अपग्रेड पे क्लिक करते हैं और अपना बेस लेवल 3 हो चुका है। बस मुझे यहाँ पर एक फीड बॉक्स बनाना है और उसके बाद जो अपना बेस है वो लेवल 4 का हो जाएगा। बस 2 मिनट पहले हम लोगों ने यहाँ पर फीड बॉक्स को अनलॉक करा था, तो एक काम करते हैं, अभी जो अपना फीड बॉक्स है ना इसको मैं अभी के लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ और इसको बिना बनाने का काम फटाफट से शुरू करते हैं। और ये देखो यार, ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारा है, मतलब हर बार ये काम करवाने के लिए जाता है। और वेट, कैटीवा भी यहाँ पर आ चुका है और अपना जो फीड बॉक्स था वो यहाँ पर बन चुका है। ये देखो यहाँ पर ना बेरी प्लांटेशन है, इसको भी ना जरा मैं अनलॉक कर लेता हूँ, एंड आई थिंक इससे हम लोग अपने पेल्स को बेरीज वगैरह खिला सकते हैं। रुको यार, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से ना यहाँ पर भी मैं एक बेरी प्लांटेशन बना देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे ना कुछ ऐसे पेल्स पकड़ने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर अपने बेस में ना हेल्प वगैरह करवाएं अपनी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर अपना आधा काम हो चुका है, हम लोगों ने अपना एक प्यारा सा बेस बना लिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने पेल्स का खाने पीने का और उनके सोने का इंतजाम करवा दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ काम की चीजें जो कि यहाँ पर अपनी टूल्स वगैरह बनाने में और उनको रिपेयर करने में मदद करेंगी वो काम भी हम लोगों ने कर दिया है। बाकी उसके अलावा मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह बना सकता हूँ क्या? ओके, कपड़े हम लोग बना सकते हैं, तो इसका भी हम लोग ना यहाँ पर काम वगैरह शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पर हमें एक कपड़े का टुकड़ा बनाना है। डन, तो अपना ये काम भी हो चुका है। क्लोथ के टुकड़ों से मैंने यहाँ पर अपना एक पूरा का पूरा आउटफिट बना लिया है, और ये देखो यार इसका लुक क्या तगड़ा लग रहा है। मतलब जो अपना प्लेयर था उसने यहाँ पर एकदम बिना कपड़ों के पूरा का पूरा गेम शुरू कर दिया था, और फाइनली हम लोगों ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास अच्छे खासे टूल्स हैं, अपना एक बेस बन चुका है, पैल्स का भी खाने पीने का इंतजाम हो चुका है, और अपने प्लेयर्स को यहाँ पर एक बहुत तगड़ा आउटफिट भी मिल चुका है। बाकी आउटफिट को हम लोग आई थिंक फ्यूचर में अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है ना कि फिलहाल टाइम आ चुका है अपने और भी ज्यादा नए नए पेल्स वगैरह को पकड़ने का, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर जो अपनी वर्क बेंच है ना इसमें जाकर ना कुछ पेल्स पेयर्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि यही अपनी सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं पेल्स को पकड़ने के लिए। और ये देखो यार, जो अपना लैम बॉल था वो यहाँ पर भूखा है बट फिर भी बंदा अपनी मदद करवा रहा है। यार मुझे सच में लग रहा है कि मैं यहाँ पर इनसे मजदूरी वगैरह करवा रहा हूँ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर जितने भी पेल्स पेयर हमें मिल रहे बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अपना काम हो चुका है, जो अपना लैम बॉल था वो भी यहाँ पर खुश हो चुका है, बट ये बंदा अभी भी सैड है क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल अपने पास ना यहाँ पर अभी 19 पेल्स पे रहे, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 पेल्स को पकड़ सकते हैं, बट अभी क्योंकि सनसेट हो रहा है तो एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ पर जरा सोकर सुबह कर लेते हैं और सुबह पेल्स को पकड़ने के लिए निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से यहाँ पर एक नई सुबह हो चुकी है और अभी टाइम आ चुका है नए पेल्स को पकड़ने का और अपने पेल्स के लिए ना थोड़ा बहुत खाने का भी इंतजाम करने का। फिलहाल एक काम करते हैं, जो अपना पेल बॉक्स है इसे हम लोग खोलते हैं, और कैटीवा को मैंने यहाँ पर अपने साथ में रख लिया, क्रेमिस भी मेरे साथ में है, जो अपना लैम बॉल है ये भूखा है तो मैं इसको अपने साथ में लेकर नहीं जाने वाला। बाकी हाँ, अभी टाइम आ चुका है थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करने का। और वे, मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टैट पॉइंट्स वगैरह हैं क्या? रुको यार, एक बार जाकर देखते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पर एक स्टैट पॉइंट है, तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना बैग का वेट है ना इसको हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ना मैं यहाँ पर और भी चीजें वगैरह कैरी कर पाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपना काम हो चुका है, बैग का मैंने स्पेस बढ़ा लिया है, और अभी के लिए मेरे पास कोई खास पैल तो नहीं है मेरी पॉकेट में, बट यहाँ पर अपने पास एक क्रेमिस है और एक कैटीवा है, और अपने पास अभी 3 पैल्स की जगह है, तो मुझे ना भी कोई 3 खतरनाक पैल्स पकड़ने हैं जो कि अपने बेस पे भी अपने काम वगैरह में मदद करवा पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अपनी लकड़ी वगैरह तोड़ने में मदद कर पाएंगे। और उसके अलावा मुझे ना कोई ऐसा तगड़े लेवल का पोकेमॉन पकड़ना है जो कि मतलब कुछ अटैक टाइप का हो, जिसको मतलब मैं यहाँ पर अपने बैटल वगैरह में यूज कर सकता हूँ। बाकी वेट, मैं यहाँ पर एक नई जगह पर आ गया हूँ, एक सेकेंड। इस जगह पर आते मुझे ऑलरेडी काफी सारे नए कैटेगरीज के पैल्स दिख गए हैं, और यहाँ पर शायद कुछ फायर टाइप पोकेमॉन टाइप जैसे हैं, इनका नाम है फॉक्स पॉक्स। ओके भाई, ये देखो यहाँ पर जो इनकी टेल है ना इसमें काफी ज्यादा फायर मुझे दिख रही है, तो पक्की बात है ये लोग ना यहाँ पर फायर टाइप पैल है, और यहाँ पर कुछ लकड़ी वगैरह भी पड़ी है। बाकी एक सेकेंड, मेरी आवाज सुन के लोग भाग गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी वेट, ये देखो मुझे यहाँ पर एक सेकेंड भाई, ये पेल स्पेयर नहीं है बल्कि ये एक यहाँ पे मेगा स्पेयर है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, इस गेम के अंदर ना कुछ बड़े लेवल के पेल्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी नॉर्मल वाली पेल स्पेयर बॉल के साथ नहीं पकड़ सकते, तो उनको पकड़ने में ये मेगा स्पेयर काम आता है। बट इसको भी मैंने बनाया नहीं है, ये मुझे ऐसे यहाँ पर एक पड़ा हुआ मिल गया है। इसको ना हम लोग ना किसी बड़े लेवल के पैल पे यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी गलती से यूज कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। सामने जो मुझे ये फॉक्स पार्क्स नाम का फायर टाइप पोकेमॉन दिख रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग इसको पकड़ ले। एक काम करते हैं, जरा कैटी वास्ते यहाँ पे मेहनत करवाते। वेट भाई, कैटीवा को बाहर निकालने की जगह गलती से मैंने इसको पकड़ने का ट्राई कर लिया, क्या हम लोग इसको पकड़ सकते हैं? भाई बिना मेहनत करे मैंने यहाँ पर एक पैल पकड़ लिया है, ये क्या हो रहा है यार, ये तो बेचारा कुछ ज्यादा इजी था। बाकी वो देखो सामने वाली साइड में ना मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉक्स पार्क्स वगैरह दिख रहे हैं, और उनके अलावा यहाँ पर एक टीफेंट नाम का पैल भी है भाई, और ये भी कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। रुको यार, मुझे ना इसको भी पकड़ना है, बट इससे पहले आई थिंक मुझे इसकी हेल्थ वगैरह थोड़ी सी डाउन करवानी पड़ेगी। तो अभी काम करते हैं, जिस पैल को हम लोगों ने पकड़ा है ना उसको जरा यहाँ पे बाहर निकालते हैं, और भाई इसको ना मैं कमांड दे देता हूँ अटैक एग्रेसिवली का, जा यार। और अब देखते हैं कि अपना वाला पैल और इस पैल में क्या मतलब डिफरेंस है। वेट, अपना पहले यहाँ पे फायर टाइप है, और जो सामने वाला पहले ना ये आई थिंक वाटर टाइप है। ओके, बाकी एक सेकंड रुक जाओ, इसको जरा हम लोग वापस बुलाते हैं, और अभी जरा
इस वाले को पकड़ने का ट्राई करते हैं। ओके, पैल बॉल मैंने यहाँ पर फेंक दिया है, क्या हम लोग उसको पकड़ सकते हैं? 65% हो चुका है, 84% एंड लेट्स गो, 100% हो चुका है। और जो अपना टी फैंड था उसे भी हम लोगों ने पकड़ लिया है, क्या बात है। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ मिल सकता है क्या। वेट, यहाँ पर आई थिंक एक पैल्डियम फ्रेगमेंट मुझे मिला है, ये कुछ ज्यादा काम का तो नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक हरे रंग का बंदर है और इसका नाम क्या है? टेंजी। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक मंकी पोकेमोन मिल चुका है जो कि यार काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। रुको यार, मुझे ना यहाँ पर इसको पकड़ना है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर इस पे थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा। ओके, अटैक मैंने कर दिया और अब मैं अपने फायर टाइप पोकेमोन को बाहर निकालता हूँ। वेट भाई, ये बहुत तगड़े अटैक कर रहा है। वेट यार, इसने काफी हेल्थ कम कर दिया। और बेटा अब आ जा अंदर चुपचाप। ओके, पैल बॉल मैंने फेंक दी। वेट, ये इसने मेरे ऊपर क्या फेंका? बट ठीक है, आई थिंक यहाँ पर अपना काम हो चुका है। भाई साहब, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली हम लोगों ने इस मंकी पोकेमोन को भी पकड़ लिया है। भाई यार, ये भी ना काफी तगड़े लेवल का था। आई थिंक मेरे पास ना यहाँ पर ठीक ठाक पैल्स हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो मंकी था लेवल 5 का था, इसे हम लोगों ने पकड़ लिया है। और ये जो फॉग पॉक्स था ना, ये भी एक फायर टाइप पोकेमोन है, इसे भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो हाँ, दो तगड़े पोकेमोन हमें मिल चुके हैं। एंड ये अपनी क्या मदद कर सकते हैं वो तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, इनसे मैं अटैकिंग में ना थोड़ी बहुत हेल्प ले सकता हूँ और हम लोग ना और भी ज्यादा तगड़े लेवल के पोकेमोन्स वगैरह को पकड़ सकते हैं। बाकी वेट, ये क्या है मेरे सामने? यहाँ पर एक पेड़ है, मुझे नहीं पता क्या है, बट यहाँ पर मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कल फ्रूट, ट्राई लाइटनिंग, भाई पता नहीं क्या है, बट ठीक है, इनको भी ना कलेक्ट कर लेते हैं, आगे जाकर कुछ ना कुछ अपने काम में आते रहेंगे। और ये कैसा पेड़ है यार? अभी भी अपने पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो देखो, सामने वाले साइड में मुझे यहाँ पर और भी पैल्स दिख रहे हैं, दो और मुझे मंकी दिख रहे हैं और एक और लैम बॉल दिख रहा है। एक काम करते हैं, लैम बॉल को हम लोग मार देते हैं, मंकी का कुछ फायदा नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है कुछ तो, और इसका नाम है शिलेट और ये लेवल 11 का है। भाई ये कोई बॉस पोकेमोन है क्या? डांसर ऑन द प्लेन्स, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा ना मुझे मतलब मुश्किल लग रहा है, बट अगर हम लोगों ने इसको पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा यार। ये लेवल 11 का है और आई थिंक ये इसी का एरिया है, ये इसी एरिया में रहता है। यार मेरा ना मन कर रहा है इस पे अटैक करने का, मेरी आदत हो गई है कुछ ऐसे काम करने की जो कि मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना अपने मंकी को निकालते हैं और इस पे अटैक एग्रेसिवली का मैं कमांड इसको दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है, शिलेट को इस मंकी ने अटैक कर दिया। वेट, उस शिलेट ने अपने मंकी पे क्या अटैक करा? उसकी हेल्थ तो काफी स्पीड से कम हो रही है। वेट, इसने तो उसे फ्रीज भी कर दिया। रुको यार, इसने मुझे भी देख लिया है और अब ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। भाई बॉस लेवल पोकेमोन से मेरी यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। रुको यार, अपने ना फॉक्स टाइप वाले पोकेमोन को बाहर निकालते हैं। भाई थोड़ा कुछ कर यार, इसको थोड़ा बहुत डैमेज तो दे, ये कुछ कर पाएगा? पता नहीं। वेट, इसने इसे डैमेज तो दिया बट मुझे लगता नहीं कि अपने पैल कुछ ज्यादा कर पाएंगे। एक ही रास्ता है, मुझे ना यहाँ पर अपने पैल्स की मदद करनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, उसके पीछे से जाता हूँ। चल तेरी भैंस की। ओ भाई, डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, बट अभी के लिए थोड़ा सा ना इस पे अटैक करते हैं और इसकी हेल्थ वगैरह को कम करते हैं। वेट यार, मेरे ऊपर अटैक मत करना। नहीं 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 भाई, वेट, मैं यहाँ पर बच गया, बट जो अपना फॉक्स पार्क है ना, ये यहाँ पर काफी ज्यादा शिलेट को डैमेज दे रहा है, बट ये ऐसे काम नहीं बनेगा यार। रुको यार, जो अपना फॉक्स पार्क था ना, उसकी यहाँ पर हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई और मुझे यहाँ पे कोई दूसरा पैल निकालना पड़ेगा। वेट, मैंने यहाँ पे अभी क्रिमिस को निकाला है, देखते क्रिमिस यहाँ पे शिलेट से लड़ पाएगा। भाई वेट, इसने तो उसे फ्रीज कर दिया। एक सेकेंड, मुझे भी अटैक कर रहा है यार, मुझे भी इसे डॉज करना पड़ेगा। भाई पता नहीं क्या फिक्र है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं क्रिमिस इससे कितना लड़ पाएगा। बाकी मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर जितने भी पत्थर और पेड़ है उनका कवर लेकर चलता हूँ और फिर देखते हैं कि मेरे ऊपर कितना ज्यादा अटैक कर पाएगा। बाकी वेट यार, ये कुछ बर्फ का फेंक रहा है। मैं काम करता हूँ, जब तक क्रिमिस इससे लड़ रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसको जाकर पास में डैमेज देता हूँ। वेट भाई, इतना भी कुछ भी हो जाए ना, अब तो मैं इतना पास आ गया हूँ ना, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। क्रिमिस की यहाँ पर हालत खराब हो रही है, मुझे ना यहाँ पे कोई दूसरा पैल निकालना पड़ेगा। मंकी थोड़ी सी हेल्प कर दे यार। ओके, तो जो अपना मंकी था वो यहाँ पर फिलहाल बाहर आ चुका है। वेट, इसने तो मुझे फ्रीज कर दिया है। भाई मंकी कुछ कर यार, इस लड़के ने हम लोगों ने गलती कर दी है। भाई रुको, मुझे यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा और अपनी हेल्थ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मंकी थोड़ा सा संभाल लेना यार, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मंकी को कैप्चर करा है यार, शिलेट से मुझे पंगा शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। और भाई ये मेरे ऊपर क्या क्या अटैक कर रहा है? रुको यार, अभी के लिए फॉक्स पार्क को ही मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। और शिलेट की जो एचपी थी ना, वो हम लोगों ने वैसे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कम नहीं करी है, बट इतनी फाइट हम लोग कर चुके हैं, मैं यहाँ पर इससे मरना तो नहीं चाहता। ऑफकोर्स रुको यार, ये दोबारा मुझे कुछ फेंक रहा है। भाई यार, इसके फ्रीजिंग अटैक से ना बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अभी एक काम करते हैं, फॉक्स पार्क को वापस बुलाते हैं। मंकी जा भाई, कुछ तो कर यार, थोड़ा सा इसके अटैक से बचना ही मुश्किल हो रहा है। बट जो अपना मंकी था उसे मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। और रुको यार, अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ही इसकी मदद करनी पड़ेगी। जो बैटल है वो बहुत ज्यादा तगड़े लेवल का रहा है। वेट यार, टेंजी की हेल्थ यहाँ पे कम हो गई है, फॉक्स पार्क को मैंने दोबारा निकाल दिया है और जो इसकी एचपी थी ना, वो आई थिंक हम लोगों ने फिलहाल हाफ कर दिया। बट कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा यार, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना कोई और रास्ता नहीं है। वेट भाई, एक अटैक डॉज कर दिया और जो अपना फॉक्स पार्क है वो भी यहाँ पे डेंजर में आ चुका है। बट अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग भी अटैक करते हैं। और वेट, अब ये फ्रीजिंग अटैक करेगा। ओ भाई रुको,
चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं सर, अपने ना टी फैंट को यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं कि कोई टी फैंट यहाँ पे कर पाएगा। वेट यार, इसने तो फ्रीजिंग अटैक करना दोबारा शुरू कर दिया है। जो चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता किसी ने करी होगी। शिलेट से हम लोगों ने बहुत ज्यादा अर्ली लेवल पे पंगा ले लिया, बट वेट, इसने तो मुझे हवा में फ्रीज कर दिया है। देखते हैं कि क्या क्या करा जा सकता है। वेट यार, ये शिलेट तो मेरे पीछे आ रहा है भाग के। एक सेकेंड रुक जाओ यार, मैं यहाँ पर से दूर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट ये शिलेट तो उल्टा मेरे पास ही आता जा रहा है। इसकी एचपी बस 400 रह गई है, बट मेरे पास इतना भी कोई स्ट्रॉन्गर पहल बचा नहीं है जो कि हमें इससे बचा पाए या फिर इससे लड़ने में हमारी मदद हो पाए। वेट यार, टैंसी को वापस मुझे बुलाना पड़ेगा, और अभी टाइम आ चुका है अपने क्रेमिस को बाहर निकालने का। बट जो अपना मंकी था वो मर गया क्या? भाई यार, मैं अपने मंकी को बचाने में लेट हो गया। कम ऑन यार, मुझे लगता है कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है। फिलहाल जो अपना चिलेट है ना, इसका ध्यान अपने क्रेमिस पे। तेरी भैंस की टांग, अब तो बंद हो जा। भाई इसको मारना कितना ज्यादा मुश्किल है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। वेट यहाँ पे इसने फिर से फ्रीजिंग अटैक कर दिया। रुक जाए भाई, अभी के लिए फॉक्स पार्क दोबारा वापस आ जाओ। यार इसने जो अपने मेगा अटैक है ना, वो मेरे ऊपर करना शुरू कर दिया है। भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है, बट अगर आज हम लोगों ने यहाँ पर शिलेट को पकड़ लिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि हम लोग इस गेम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही एपिसोड में हम लोगों ने इतना बड़ा बैटल करवा दिया है। और जो अपना फॉक्स पार्क है ना, ये भी कम नहीं है, बट इसकी मदद मुझे करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वेट यार, बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज मुझे यहाँ पर लगा है, तो अभी के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। बस 70 HP मेरी बची है भाई, मैं बस 2 HP बच गया हूँ। मुझे अभी के लिए भागना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उसने एक और अटैक मेरे ऊपर कर दिया ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मेरे पास यहाँ पे खाने का भी कुछ नहीं है। भाई वेट यार, फॉक्स पार्क यहाँ पे लड़ लड़के ना बहुत ज्यादा थक गया है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको वापस तो बुला लिया, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ खाने का भी नहीं बचा यार। वेट यार, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास ना यहाँ पे कुछ मशरूम्स वगैरह हैं, मैं इनको यहाँ पे ले लेता हूँ, और इनको ही ना मुझे थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। बाकी वेट, वो शिलेट कहाँ से आ रहा है? भाई शिलेट यहाँ पे आ रहा है, मुझे अपने फॉक्स पार्क को वापस भेजना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सेकंड भाई रुको, मैं यहाँ पर ना अभी साइड में जाता हूँ और थोड़े से यहाँ पे मशरूम वगैरह खाता हूँ, मुझे अपनी हेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, शिलेट से पंगा लेकर ना मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक सेकेंड, फॉक्स पार्क यहाँ पे अकेला वापस आ गया। वेट, शिलेट कहाँ पे गया? एक सेकेंड, फॉक्स पार्क ने शिलेट को मार तो नहीं दिया ना? शिलेट यहाँ पर एकदम से गायब हो गया, क्या चल रहा है? अगर मेरे फॉक्स पार्क ने शिलेट को मारा होता तो शिलेट की बॉडी यहीं कहीं आसपास में होती ना, बट शिलेट की बॉडी तो यहाँ पर है ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे उसकी एचपी इतनी ज्यादा कम कर दी थी, मुझे लग रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट शिलेट को पकड़ सकते थे। वेट, मेरे सामने यहाँ पर जस्ट अभी एक नया शिलेट स्पॉन हो गया है, वो भी 11 लेवल का। तो ये अपने आप डिस्पॉन हो गया था या फिर मेरे फॉक्स पार्क ने उसे मार दिया? भाई मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, बट क्या हुआ यार, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे शिलेट को पकड़ने वाले थे, बट अब ये दूसरा शिलेट आ गया है और उसकी एचपी पूरी फुल हो गई है। बट इस बार मैं अभी इससे पंगा नहीं लेने वाला हूँ, ऑलरेडी जो मेरा मंकी था ना वो यहाँ पर मर चुका है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना इस गेम के अंदर खाना और एचपी कितना ज्यादा मैटर करता है। मुझे ना स्टैट पॉइंट से अपनी एचपी वगैरह को बढ़ा लेना चाहिए था, जो अपना शिलेट था ना वो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। भाई यार कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो गई, बट कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा शिलेट को पकड़ लूंगा। मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा ना कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पर छोटे मोटे टाइप के उनसे भी उसे पकड़ पा रहे थे। वेट, अगर मैं गलत नहीं तो मेरे सामने यहाँ पर एक मेगा स्पीयर है। क्या बात है यार, एक और मेगा स्पीयर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, बट ऐसे काम नहीं बनेगा यार। अगर मुझे शिलेट जैसे बॉस पोकेमोन को हराना है तो मुझे यहाँ पर कोई तगड़े लेवल के पैल्स वगैरह को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, सामने वाली साइड में मुझे वो दो डियर फिर से दिख चुके हैं। यार ये देखो, यहाँ पर मुझे भी वही चार चार डियर दिख गए जो कि पहले यहाँ पर से गायब हो गए थे, तो शायद इसका मतलब है कि ये इन्हीं का एरिया है। मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, बट इस वाले एरिया में लिटरली मुझे काफी सारे पैल्स दिख रहे हैं। बट रात में ना मेरा यहाँ पर बैटल करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और जो अपना मंकी था ना भाई वो भी यहाँ पर मर चुका है, तो इसको रिवाइव करने के लिए मुझे यहाँ पर अपने पैल बॉक्स की तरफ वापस जाना पड़ेगा। और ये देखो, नाइट विंग भी यहीं पर है। आई थिंक ये जो नाइट विंग है ना, ये भी इसी एरिया में रहता है और ये भी इन्हीं सारे पैल्स के आसपास घूमता रहता है। यार अभी ना इनसे पंगा नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या सीन है, बट ठीक है अभी एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग अपने बेस के अंदर चलते हैं, जाकर सो जाते हैं, सुबह करते हैं। और अब दोबारा से भाई मैं कैसे भी करके आज वाले एपिसोड में शिलेट को पकड़ूंगा या फिर नाइट विंग को पकड़ूंगा, मुझे नहीं पता। चलो गाइस, यहाँ पर फिर से एक बार सुबह हो चुकी है। रात को स्किप करने का ना एक अलग ही मजा है, मतलब मुझे इस गेम को ना सुबह वाले टाइम में एक्सप्लोर करने का काफी ज्यादा मजा आता है। मेरे पास ना यहाँ पर कुछ बेरी के सीड्स वगैरह हैं, तो थोड़े बहुत ना मैं यहाँ पर अपने पैल्स के लिए फीड बॉक्स में छोड़ देता हूँ। जो एक अपना लैम्प बॉल है वो यहाँ पर खाता रहेगा, और क्योंकि सुबह हो चुकी है तो हम लोग भी निकलते हैं। वेट, यहाँ पे एक पैलियम फ्रेगमेंट है, इसको भी मैंने उठा लिया है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं सीधा उस वाले एरिया में जहाँ पर हम लोगों ने ना वो वाले डियर्स वगैरह को देखा था, क्योंकि अभी आई थिंक एक वही पैल है जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बहुत डैमेज वगैरह देकर पकड़ सकता हूँ। एंड आई थिंक अगर मैंने एक बार उस डियर को पकड़ लिया ना, तो शायद मुझे यहाँ पर अटैकिंग के टाइम पे कुछ हेल्प मिल सकती है। बाकी गाइज, मैं तो इस गेम में नया हूँ, अगर आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह पता है तो प्लीज आप लोग ना मुझे कमेंट करके टिप्स वगैरह गेम के अंदर देते रहना, क्योंकि भाई इस गेम को खेलना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट मैं हार नहीं मानूंगा इस वाले एपिसोड में, कैसे भी मैं नाइट विंग या फिर उस शिलेट नाम के बॉस पोकेमोन को तो कैप्चर करके रहूंगा। बाकी मुझे पता है उससे भी ज्यादा खतरनाक पैल्स इस गेम के अंदर है, बट शुरुआत तो मुझे किसी चीज से करनी है ना। बाकी ये देखो, यहाँ पर ना मुझे वो वाला डियर ऑलरेडी सामने आता हुआ दिख चुका है, बट
इसको ना थोड़ा सा मुझे इसके दोस्त से दूर लेकर जाना पड़ेगा। बट चलो ठीक है, ये ना मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा अकेले दिख रहा है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना, अपना बैट जरा बाहर निकालता हूँ। और अभी ना इसके यहाँ पर हम लोग ना तेरी भैंस की टांग बैंड बजाना शुरू करते हैं। बाहर आ जा भाई मंकी। ओके अभी देखते हैं कि मंकी कुछ कर पाएगा। भाई इसने तो एक ही बार में अपने मंकी को दूर फेंक दिया है। बट ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ तगड़े लेवल का करने का। भाई साहब अगर मैंने सही टाइम पे डॉज ना करा होता तो पता नहीं क्या होता। बट ठीक है मंकी भाई, मरना मत यार, तू ही अभी मेरी उम्मीद है। थोड़ा सा मुझे भी इसे डैमेज देना पड़ेगा। रुको यार, जैसे यहाँ पर ये अटैक देता है ना, उसके बाद को तुरंत डॉज करना पड़ेगा। भाई मंकी को वापस बुलाते हैं। और अभी के लिए मैंने यहाँ पर अपने फॉक्स पार्क को बुला लिया है। अब देखते हैं कि इसको डैमेज कैसे दे पाएगा। वेट यार, डैमेज इसने काफी दे दिया है, बट थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर अपने पैल्स की मदद करनी तो पड़ेगी। रुको यार, वो जो अपना फॉक्स पार्क था भाई, उसने यहाँ पे हिरण कॉल मुझे जला दिया। वेट यार, अभी आई थिंक मैं इसको पकड़ सकता हूँ क्या? ट्राई करते हैं। ओके, मैंने एक पैल बॉल फेंकी बट इसने रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या पता नहीं। भाई ये तो पैल बॉल वेस्ट करे जा रहा है। अबे यार, तीन पैल बॉल इसने मेरी वेस्ट करवा दी। भाई रुको, और इसको थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे देना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी नहीं है भाई, बस ये इसको मार ना दे। ओके थोड़ा सा और ये डैमेज हो गया है। अभी के लिए ट्राई करते हैं इसकी एचपी को थोड़ा सा और कम करने का, एंड देन आई थिंक अपना काम हो चुका है। रुको यार, अभी मैं इस पे पॉयल बॉल फेंक कर देखता हूँ। एंड अब अगर ये कैप्चर हो गया ना भाई, काम हो जाएगा। इसमें भी मेहनत काफी लगी। भाई नहीं, ये तो बाहर आ गया। इसकी भैंस की टांग कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। ये भाई, मैं यहाँ पर शिलेट से ऐसे लड़के आया हूँ और इसे लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा। भाई रुको, तेरी भैंस की टांग एक बार बस पैल में हो जाओ। भाई बंदे ने जंप लगा दी थी, बट ठीक है। वेट यार, ये पकड़ा क्यों नहीं हो रहा? मैं इसका सर फोड़ दूंगा भाई। अबे यार, मैं यहाँ पर इसके अटैक डॉज कर करके थक गया हूँ। बट रुको यार, अभी के लिए दोबारा मैंने फॉक्स पार्क को निकाल दिया है। फॉक्स पार्क तू वापस आ जा। इसको ना एक आध पास का फटका मुझे ही देना पड़ेगा। और अब जरा अपनी पैल बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, एक फटका दिया है भाई, इस बार कैप्चर हो जाना प्लीज। भाई क्या क्या दिक्कत है, एक सेकंड, मैं तो उसके मुंह पे कूद गया। रुको यार, मुझे लग रहा है ना कि मेरे यहाँ पे पैल्स मदद नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा पास से मुझे फटका इसको देना पड़ेगा। और अभी एक और पैल बॉल मैंने फेंक दिया। भाई प्लीज इस बार कैप्चर हो जाए यार, ये क्या चीज है। शिलेट तो बात की बात है, अगर मैं इसको नहीं पकड़ पाया ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। भैंस की टांग, इतने सारे मैं यहाँ पर इसका अटैक डॉज कर रहा हूँ, और एक बार इसकी एचपी देखो यार, इसको पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। रुको, नहीं भाई ये गलती नहीं करनी, अगर ये मर गया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, एक और पैल बॉल फेंकी है, काम कर जा भाई, हद है तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। एक और पैल बॉल भाई, कितनी भी वेस्ट हो जाए इसको मैं पकड़ के रहूंगा। भाई अबे यार क्या चीज है, मुझे लग रहा है कि ये मर के मानेगा। भाई रुको, अपने पास कितनी पैल बॉल बची है, रुको देखने दो यार, 10 पैल बॉल बची है। ठीक है, दो और मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, उसके बाद काम नहीं बना तो मारना ही पड़ेगा इसे। एक और फेंकी मैंने, ठीक है भाई अब अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। ओके 74% हो गया भाई, फाइनली हम लोगों ने उस वाली डियर को पकड़ लिया है। भाई पहले ही एपिसोड में इतनी ज्यादा खराब हालत हो जाएगी, पता नहीं था यार, इससे ज्यादा आसान तो मुझे शिलेट को मारना लग रहा था। मतलब मैं अपने 2-3 पैल यूज कर पा रहा था और शिलेट को पकड़ पा रहा था, बट इसकी इतनी लो एचपी करने के बाद भी मेरी हालत खराब हो गई। और अगर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर इनकी पूरी गैंग से लड़ रहे होते तो पता नहीं यार अपना क्या हाल होने वाला था। बाकी रुको यार, यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा पहले खाना खा लेते हैं। ये जो पैंगोलेट है ना, ये बहुत ज्यादा देर से अपने आसपास घूम रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी पकड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा पोकेमोन है, बट देखने में तो ये, वेट वहां पर सामने कुछ गार्ड वगैरह हैं, ये क्या है यार, और इनके हाथ में गन्स हैं क्या? भाई रुको, आई थिंक इनसे भी लड़ना ना कोई ज्यादा मतलब की बात नहीं है। वेट, यहाँ पर भी एक और पैंगोलेट मुझे दिख रहा है, इसको भी मैं एक फटका मारता हूँ। और इससे एक मिनट, फटका क्या मारना है, डायरेक्ट अपने यहाँ पे फॉक्स पार्क को निकालते हैं। और ये एक फायर टाइप पोकेमोन है, तो सीधा इसको यहाँ पे लड़ने के लिए बोलते हैं। भाई ओके, इसने अटैक कर दिया पैंगोलेट को, यहाँ पे गुस्सा आ चुका है। अब देखते हैं कि पैंगोलेट यहाँ पे क्या करता है। ओके पैंगोलेट भी वो शिलेट वाला अटैक कर पा रहा है शायद। यहाँ पर जितने भी वाटर टाइप और फ्रीजिंग पोकेमोन है ना, इनका काम यहाँ पर यही है। बट ठीक है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर ना अपने पैंगोलेट की मदद कर देते हैं। तेरी भैंस की टांग कितना ज्यादा काम करता है। वेट, मैंने यहाँ पर अपने फॉक्स पार्क को वापस बुला लिया है, क्योंकि जो पैंगोलेट की एचपी ना वो कम हो गई, तो थोड़ा सा इस पे ना अभी पैल बॉल फेंक कर देखते हैं। ओके ये कैप्चर हो पाएगा क्या? 54% हो चुका है, 76%, एंड यहाँ पर पैंगोलेट भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। ओके, एक वाटर टाइप या फिर आई थिंक आइस टाइप पोकेमोन वो भी अपने हाथ में लग चुका है। और एक बार जरा अपनी पार्टी में देखते हैं कि अपने पास, वेट, 5 ही पैल है। ओके, शायद जो अपने बाकी पैल्स हैं जो कि यहाँ पर अपने पॉकेट में फिट नहीं बन रहे हैं, वो डायरेक्टली अपने पैल बॉक्स में जाने वाले हैं। ठीक है यार, ये जो अपना फॉक्स पार्क है ना, जो फायर टाइप पोकेमोन है, ये बड़े काम की चीज है। मतलब इससे मैं यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स वगैरह कर पा रहा हूँ, और जो अपना मंकी था ना वो भी बहुत काम की चीज है। तो दो अच्छे खासे पैल हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिए हैं, एक पैंगोलेट और एक ये जो डियर है। रुको यार, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, क्यों ना हम लोग एक और डियर यहाँ पे पकड़ लें,
वेट यार, मैं यहाँ पर अपना वो वाला डियर तो निकाल नहीं सकता, मुझे यार पैल बॉक्स पे वापस जाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ना अभी एक आइडिया आया है, मेरे पास यहाँ पर 2-3 अच्छे खासे पैल्स हो गए हैं, बट अभी क्योंकि वो मेरे पॉकेट में नहीं है, वो डायरेक्टली पैल बॉक्स में अपने पहुंच चुके होंगे, तो एक काम करते हैं अपने जरा बेस पे वापस लौटते हैं और उसके बाद अपने यहाँ पर जितने भी वो वाले पैल्स है ना जो कि बहुत ज्यादा काम के नहीं है या फिर अटैक्स में थोड़े से कमजोर है, मैं उनको जरा अपने पैल बॉक्स में छोड़ के आता हूँ और जो डियर हम लोगों ने अभी पकड़ा है ना उसको निकालते हैं और अपने पैंगलेट को लेकर आते हैं, क्योंकि इनके अटैक्स देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, ये जो पोकेमॉन्स है ना ये अपने अटैक में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं और इनकी मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो गाइस, तो भागता हुआ फाइनली मैं अपने बेस पर पहुंच चुका हूं, अभी फटाफट से हम लोग अपने पैल बॉक्स को खोलते हैं और ये देखो यहाँ पर जो अपना डियर था वो मुझे मिल चुका है। क्रेमिस को हम लोग यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं अपने पैल बॉक्स के अंदर। ओके, तो जो भी अपना मंकी है ये यहाँ पर एरोस वगैरह को बनाने में लगा हुआ है। बाकी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना अपने पास ना पैल्स का जो मतलब लिमिट थी अमाउंट था वो यहाँ पे बढ़ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से और यहाँ पे पैल बेड बना देते हैं। इसके लिए भी लकड़ी चाहिए। भाई यार लकड़ी चाहिए, वेट, जो अपना हिरण है एक बार उसने देखो कितनी लकड़ी कलेक्ट कर ली है। भाई मानना पड़ेगा हिरण यहाँ पे काम की चीज है, इसने लिटरली यहाँ पे पता नहीं 100-200 लकड़ियां कर ली है क्या कलेक्ट। रुको यार, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपने बैग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बट एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पर स्टैट पॉइंट है, बट इस बार मैं अपने बैक के कैपेसिटी की जगह अपनी हेल्थ को बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अटैक के टाइम पे यही मेरी मदद करेगी। बाकी ये देखो भाई इसने कितनी लकड़ी कलेक्ट कर ली है यार, ये तो काम की चीज है। इसको पकड़ के हम लोगों ने बहुत सही करा, हालांकि इसको पकड़ने में हालत खराब हो गई, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अपना काम बन चुका है। बाकी एक सेकंड, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ क्या? ओके, मैं यहाँ पर इसको पैट कर सकता हूँ। ये देखो यार, ये गेम सच में प्यारा है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर इसको पैट कर दिया, ये भी काफी ज्यादा खुश हो चुका है। फिलहाल हम लोग अपने काम पर लौटते हैं, जरा अपने तीर वगैरह बनाते हैं। वेट, यहाँ पर इसने खेती करना शुरू कर दिया। अबे तुझसे जो काम बोला था वो तो उसने करा नहीं। जितने गंदे तरीके से शिलेट ने मुझे यहाँ पर मारा है ना भाई, मैं उसको ऑलमोस्ट पकड़ सकता था, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत थोड़ी सी खराब है। मैं यहाँ पर अगर सही टाइम पे पैल स्पीयर वगैरह फेंक देता ना तो अपना काम बन सकता था, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए यहाँ पर अपने एरोज वगैरह को बनाते हैं और फिर दोबारा से बैटल के लिए चलते हैं। पैल्स तो यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा मदद करवा रहे हैं और ये मंकी क्या कर रहा है भाई? हेलो, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, बट ठीक है मदद करवा रहा है वो बड़ी बात है यार। ये तीर को बनाने में भी ना बहुत टाइम लग रहा है, मुझे यहाँ पे अपने बेस पे ना और भी वर्किंग पैल्स लाने पड़ेंगे। डन गाइस, फाइनली यहाँ पर अपना काम हो चुका है, एरो और बोस अपने दोनों के दोनों रेडी है। ये देखो यहाँ पर अपना तीर कमान आ क्यों नहीं रहा है? रुको यार, मुझे ना इसको आई थिंक इन्वेंटरी में से पहले वेपन में सेट करना पड़ेगा, किस जगह पे डालूं उसको। रुको, इसको यहाँ पे भी अंदर छोड़ते हैं और आई थिंक अभी अपना काम बन चुका है। ओके, ये देखो यहाँ पर इस टाइम पर मेरे हाथ में आ चुका है तीर कमान। भाई अब तो मैं पता नहीं किस किस को कैसे कैसे मारने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे अभी लिटरली 100 से भी ज्यादा एरोस हैं, तो अपना काम यहाँ पर बैटल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। बाकी एक सेकंड यार, ये देखो मुझे लग रहा है कि जो अपना हिरण है ना ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। और एक मिनट यार, इसका नाम क्या है? मैं इसका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक था डियर, ठीक है भाई, इसके बारे में तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इसने काम तो काफी ज्यादा सही करा यार, मतलब ठीक है बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करवा रहा है। और वेट, मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना एक और एक वुडन का चेस्ट वगैरह बना देता हूँ, ताकि यहाँ पर बाद में लैम्बोल आएगा और इन सारे वुड को ट्रांसपोर्ट करके इस चेस्ट के अंदर डाल देगा। यहाँ पर ना भी फिलहाल ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, मुझे यहाँ पे शिलेट और नाइट विंग को पकड़ने के लिए जाना था यार, बट ये काम ना रात में करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि रात में कुछ ज्यादा इस गेम के अंदर दिखता नहीं है, डार्कनेस कुछ ज्यादा ही है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल सो जाता हूँ, सुबह करते हैं और सुबह दोबारा एक एडवेंचर के लिए निकलते हैं। भाई कितना सो रहा हूँ मैं? तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग गाइस, आई थिंक ये चौथी या पांचवी बार है जो कि हम लोग इसी एपिसोड के अंदर फिर से एक बार सुबह कर चुके हैं। और जो अपने पैल्स हैं ये देखो यार, ये अभी भी अपना पूरा का पूरा काम वगैरह करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर इसकी फार्मिंग चल रही है और जो अपना मंकी था वो यहाँ पर पेड़ वगैरह काट रहा है, क्या बात है। चलो ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इनसे काम बहुत ज्यादा करवा लिया है, फटाफट से भी मैं इनको जरा अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल लेता हूँ, क्योंकि अभी इनकी ना मुझे जरूरत बहुत ज्यादा है अपने अटैक वाली चीज में। बाकी वे एक काम करते हैं, कैटीवा को ना यहीं पर छोड़ते हैं और जो अपना ये फायरपॉक्स था ना इसको जो फॉक्स पॉक्स था इसको यहाँ पर अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा और खिलाते हैं, जिनकी एचपी की यहाँ पे जरूरत है उनको खिलाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनको भी काफी खिला दिया है एंड अब हम लोग फिर से निकलते हैं एक और नए एडवेंचर के लिए। इस बार मेरे पास यहाँ पे पहले से भी थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैल्स हैं, मेरे पास यहाँ पर एक डियर है, एक पेंगलेट है और इस बार अपने साथ में अपना मंकी भी है, बाकी यहाँ पर भी एक फॉक्स पार्क है, क्या बात है। बट नहीं, इस बार मेरा टारगेट है नाइट विंग को पकड़ना या फिर शिलेट से अपना बदला लेना या फिर कोई फिर से कोई स्ट्रॉन्ग पैल रास्ते में मिल गया तो उसको पकड़ना। मुझे कम से कम एक तो तगड़े लेवल का पैल चाहिए। वो देखो सामने मुझे यहाँ पे नाइट विंग दिख रहा है यार, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर ये नाइट विंग अपने बेस पर आ जाए ना तो अपना काम यहाँ पर इजी हो सकता है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे खाने की ना बहुत ज्यादा कमी होती है। भाई यार पता नहीं अपने बेस के पास क्यों ज्यादा स्पॉन नहीं हो रहा है, बट ठीक है, वो देखो दूसरा वाला मुझे देखकर भाग रहा है, बट अगर मैं अपना तीर कमान इस पे यूज करूँ। वेट भाई, एक इसको पड़ गया और ये नाराज होके मेरे पास आ रहा है। रुको यार, जो अपना पेंगलेट था इसको निकालते हैं भाई, जरा से लड़ना यार, मैं पता नहीं पेंगलेट को क्या ही लड़वा रहा हूँ। भाई वेट, पेंगलेट में तो थप्पड़ पड़ गया। अबे यार ये क्या हो रहा है, वेट, पेंगलेट को यहाँ पे गुस्सा आ गया, पेंगलेट ने उसको फ्रीज ही कर दिया। बट ठीक है, अब इसको यहाँ पे मरने देते हैं। भाई पैंगलेट ने 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर अपना काम कर दिया। वेट, यहाँ पे एक लेवल थी कि क्रेमिस है, ये कुछ ज्यादा ही चमक नहीं रही। पैंगलेट क्या कर रहा है भाई,
उसको तो मैंने बस देखा था, ये तो नाराज हो गया। बट वेट भाई, जो अपना पेंगुलेट है काफी ज्यादा तगड़े लेवल का अटैक क्रिमिस पे डायरेक्टली कर रहा है, और जो क्रिमिस थी वो भी यहाँ पे लड़ रही है। बट पेंगुलेट कमाल है यार, वेट उसने मुझे देख लिया कि मेरे ऊपर, तो भाई पेंगुलेट सही चीज है यार, कोई अटैक कर पाए उससे पहले ये सबको फ्रीज कर देता है। भाई साहब मैंने यहाँ पे इसको एक चिकपी को पकड़ने के लिए निकाला था, बट लग रहा है पेंगुलेट ना नाराज है और अपना पूरा का पूरा जोर एक ही पैल पे डाल रहा है। भाई यार सही चीज है, पेंगुलेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, इसका हम लोग यहाँ पे बैटल में यूज कर सकते हैं। क्रिमिस यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा मार रही है, बट जो यार मेरे पास क्रिमिस है मुझे लगता है वो कम लेवल की है, ये कुछ अलग ही लेवल की चमक रही है। रुको यार एक बार इसको यहाँ पे पकड़ने का भी ट्राई कर लेते हैं। पेंगुलेट जरा वापस आना, मुझे नहीं पता कि ये चमक क्यों रही थी। वेट ये तो निकल कर आ गई भाई, पक्की बात है ये कुछ स्ट्रॉन्ग है। लेवल थी कि क्रिमिस है तब भी मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा था। वेट आई थिंक यहाँ पर अपना काम हो चुका है। ओके इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वो क्या थी बट वो चमक रही थी और लेवल थी कि क्रिमिस मुझे अपनी वाली से ज्यादा सही लगी, तो पकड़ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेल्सपेयर मेरे पास 6 है यार, मुझे ना और पेल्सपेयर बना लेने चाहिए थे, बट ठीक है आई थिंक 6 पेल्सपेयर भी काफी रहेंगे वैसे भी बड़े वाले पेल्स को पकड़ने के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक मेगा स्पेयर भी है, नाइट विंग मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाइट विंग अपने, नहीं यार नाइट विंग यहीं पर है। बस एक बार ये नाइट विंग मेरे घर के पास आ जाना तो इसको मतलब पकड़ना बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। बाकी वेट सामने वाली साइड में ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुला मुझे एरिया दिख रहा है, एंड आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वाले एरिया में हम लोग अभी तक गए नहीं है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वाले एरिया को भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कोई तगड़ा पैल हमें मिल सकता है। बाकी यहाँ पर भी एक वही बंदर है टैंजी करके, कोई तगड़ा सा पैल मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक मेरे पास अभी यहाँ पर इतने पैल्स तो हो गए कि मैं किसी बड़े लेवल के आई थिंक 9 या 10 लेवल के पैल पे अटैक कर सकता हूँ। वेट सामने से क्या प्रिटी आ रहा है, और ये ना कुछ बलवास और जैसा नहीं लगता जो कि पोकेमोन में होता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करें। भाई ये तो मुझे देखकर भागने लगा यार, ये कुछ डरपोक से पोकेमोन है क्या, पता नहीं क्या सीन है। वेट ये पेल्सपेयर कहाँ पे रखा है, कहीं पर भी हो बट ठीक है। कैप्रिटी अब तू नजर में आई गया तो पेल्सपेयर में भी आई जाए यार। भाई ये तो भाग रहा है बट ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने फॉक्स पार्क को निकाल दिया है और फॉक्स पार्क ने इस पे अटैक करना शुरू कर दिया। वेट मुझे नहीं पता कि ये कैसा अटैक करता है, बट देखते हैं थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। भाई ये तो आई थिंक फॉरेस्ट टाइप पोकेमोन है ना, रुको यार फॉक्स पार्क को मैं अंदर लेता हूँ, टैंजी जरा बाहर आना, अब देखते हैं कि टैंजी यहाँ पर क्या कर पाएगा। वेट भाई थोड़ा सा मुझे संभल के रहना पड़ेगा, अगर ये मर गया ना तो वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा ये देखना है कि अपना जो टैंजी है वो गलती से कैपरेटी को मार ना दे और उससे पहले मैं इसे कैप्चर कर लूं। बाकी ठीक है टैंजी भी ठीक ठाक अटैक कर रहा है, और जो कैपरेटी है उसका अटैक भी यहाँ पर टैंजी जैसा ही है यार। मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रांग पोकेमोन है या फिर नहीं, बट ये 10 लेवल का है तो काम तो अपने बहुत आएगा। बाकी भाई टैंजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ रहा है, अपना टैंजी लेवल 7 का हो गया यार, बड़ा होता जा रहा है। कैपरेटी काफी डैमेज हो चुका है बट अभी भी थोड़ी सी इसकी एचपी और कम करनी पड़ेगी। ऑल राइट उसकी एचपी यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है, तो थोड़ा सा ना अभी मैं इसको पास में जाकर डैमेज वगैरह देने वाला हूँ। वेट भाई ये यार अपने पता नहीं मुंह से क्या क्या निकाल रहा है, बट ठीक है थोड़ा सा इसको डैमेज देते हैं। वेट यार इसको डॉज करना ना मुश्किल है, बट अभी के लिए जरा मैं इसको पेल्सपेयर फेंकता हूँ। वेट यार इसने पता नहीं क्या डाला, बट ठीक है फिलहाल मैंने इस पे पेल्सपेयर फेंका, ये बाहर आएगा क्या, लग नहीं रहा कैप्चर हो पाएगा। भाई एक लेवल 10 का पैल हम लोगों ने ऐसे ही पकड़ लिया, क्या बात है, कैपरेटी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और मुझे नहीं पता कि अपनी कैसी हेल्प करवाने वाला है, बट ठीक है मुझे मिल गया तो मैंने पकड़ लिया, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगा यार। आगे वाली साइड में चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और मिलता है या फिर नहीं, कुछ और का तो पता नहीं। भाई पैल स्पीयर मुझे जमीन पे आज पड़े हुए बहुत मिल गए, यहाँ पे एक लेवल 4 का पेंगुलेट है और आई थिंक वहां पे भी। वेट वो क्या चीज है, सैलरे ये क्या है भाई, ये कोई वाटर टाइप पोकेमोन है क्या, हवा में उड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, बट रुको यार यहाँ पर ये 2 नहीं 4 हैं। भाई साहब यार एक आदि अकेले में मिल जाए ना फिर तो हम लोग उसको पकड़ भी ले। वेट मैं यहाँ पर इनको अकेले पकड़ने की बात कर रहा था, बट वो देखो आइलैंड के दूसरी तरफ ना मुझे एक लेवल 3 का सैलरे या कैलरे जो भी नाम है मुझे मिल चुका है। अभी ना मैं यहाँ पे अपना तीर कमान निकालता हूँ और अब इस पे डायरेक्ट एक हिट मारते हैं। ओके अभी के लिए मैंने यहाँ पर अपने मंकी को बाहर निकाल दिया और मंकी ने एक ही डैमेज में उसकी एचपी हाफ कर दी है। भाई मंकी मार मत देना यार उसे, रुको भाई, ओ रुको रुको रुको, मुझे लग रहा है कि मंकी इसे खत्म ही कर देगा, बट ठीक है एक पैल बॉल मैंने फेंकी, इसने 2 पैल बॉल वेस्ट करवा दी। बट वेट यार अभी के लिए एक और फेंकता हूँ। भाई क्या चल रहा है, ये तो एक भी पैल बॉल को हिट ही नहीं कर रहा। वेट यार एक और पैल बॉल मैंने फेंकी, भाई क्या सीन है, मैंने यहाँ पर लिटरली पता नहीं कितनी पैल बॉल फेंक दी बट ये पकड़ में आ ही नहीं रहा है। ओके एक और पैल बॉल फेंकी, आई थिंक पकड़ा हो जाएगा, 92% पे आ चुका है, 99, ओके 100% पूरा हो चुका है। सैलरे को भी हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया, बट यार मेरी 3 से 4 पैल बॉल उस पे वेस्ट हो गई, पता नहीं यार मैं शायद यहाँ पे नीचे फेंक रहा था और जो अपनी पैल बॉल थी वो पानी में चली गई, जो पैल बॉल एक बार वेस्ट हो गई उसे हम लोग वापस नहीं ला सकते, तो ठीक है क्या ही कर सकते हैं। बट ठीक है हमें यहाँ पर एक वाटर टाइप या कुछ तो टाइप का पोकेमोन मिल गया जो कि यहाँ पर पानी के ऊपर उड़ता है। वो देखो यहाँ पर और भी सैलरे हैं, अपने पैल बॉल्स यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, बट ये देखो मुझे यहाँ पे और भी पैल्स पेयर मिलते जा रहे हैं। यार वो जो शिलेट का दर्द था ना वो मेरा अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है,
बट कोई बात नहीं, शिलेट को भी मैं कैसे भी करके पकड़ लूंगा। शिलेट और नाइटविंग अभी मेरे दो बड़े टारगेट हैं, इन दोनों को मुझे पकड़ना है, उसके बाद देखते हैं कुछ हमें बड़ा मिलता है या फिर नहीं। बाकी वेट यार, ये टीफ पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आगे वाले साइड में कोई तगड़े लेवल का पैल वगैरह मिलता है या फिर नहीं। ये क्या है, यहाँ पे मुझे एक और डैम पैक मिल चुका है। ओके, अभी के लिए मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे वाली साइड में, और ये देखो यहाँ पर एक और लेवल 3 का पैंकुलेट। और वेट, मुझे यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल मिल चुका है। रुको, एक काम करते हैं, ये जो सामने वाला फास्ट ट्रैवल दिख रहा है ना, इसको अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली अपने बेस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर फंस गया ना या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई। वेट, एक लेवल 11 की कैपेबिलिटी भी मुझे दिखी और लेवल 9 की भी। यार ये लग रहा है ना कि पूरा का पूरा इनका ही एरिया है, बाकी मुझे कोई यहाँ पे अभी कोई खास तगड़ा पहल तो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, फटाफट से मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैवल को अनलॉक करता हूँ। यहाँ से ना डायरेक्टली हम लोग अपने बेस पे टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर अनलॉक अभी कर दिया है, और जो अपना आर्मर था पता नहीं कैसे वो बैटल के बीच में डैमेज हो गया है, तो मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा खास फायदा वगैरह नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी कुछ टेंसी वगैरह है, और यहाँ पर कोई फोर्ट है क्या? पता नहीं मैं भागता हुआ कहाँ पर आ चुका हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर कुछ और भी पेल्स वगैरह दिख गए हैं। यहाँ पर एक लिफ्ट मंक है, यहाँ पर कुछ टेंसी है, और यहाँ पर अभी एक और डियर है। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक और डियर को पकड़ लें, ये अपने काम तो आ सकता है। डियर वर्सेस डियर का बैटल करवाते हैं। मैं अपने वाले डियर को इसके ऊपर फेंकता हूँ और भाई अपना काम जरा यहाँ पे शुरू कर दे। एंड इस बार क्योंकि मेरे पास तीर कमान है, थोड़ा सा हम लोग इनका फायदा तो उठाने वाले हैं। एंड ऑलरेडी इसकी एचपी हम लोगों ने यहाँ पे काफी कम कर दिया। भाई ये काम की चीज तो है। वेट, अबे यार मेरे पास क्यों आ रहा है? जिसको लड़ने के लिए बोला उससे लड़ना, भैंस की टांग। भाई अगर मैं सही टाइम पे डॉज ना करूं तो पता नहीं अपने साथ क्या होने वाला है। बट इस बार मैं इसको भी पकड़ लूंगा। यार इनको पकड़ना ना बहुत ज्यादा आसान हो गया, बट थोड़ा सा मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, उसकी एचपी यहाँ पर काफी कम है। रुको यार, अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको अंदर ले लिया है, और अब जरा अपनी पैल बॉल फेंकते हैं, क्या हम लोग इसको पकड़ पाएंगे। 28% मुझे लग रहा है कि छूट जाएगा, क्योंकि इसको पकड़ना ना मुश्किल बहुत ज्यादा है। बट वेट भाई, ये वाला तो इतनी आसानी से हम लोगों ने पकड़ लिया। जो अपना पहला वाला डियर हम लोगों ने पकड़ा था, आपको याद होगा हम लोगों ने उस पर कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। मेरी 6 से 7 पैल्स पेयर वेस्ट हो गए थे। बट वेट यार, यहाँ पर भी एक और पैल्स पेयर है। बट हाँ यार, जो पहला डियर पकड़ा था उसको पकड़ने में जो हालत टाइट हुई थी, यहाँ पे तो लग रहा है कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। मैंने यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ लिया, मतलब पता नहीं चला डियर वर्सेस डियर का बैटल करवाया और अपना डियर इजिली जीत गया। इनफैक्ट इस टाइम पे तो मेरा आर्मर डैमेज भी है। बाकी ठीक है, यहाँ तक आई गए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई ज्यादा तगड़े लेवल का है। बाकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एरिया में पहले आ चुका हूं, मतलब पूरा आइलैंड ही सिमिलर से एरिया का है। हाँ, वो अलग बात है कि जो अपना पेंगुलेट है वो भी यहां पर अपनी काफी ज्यादा मदद कर रहा है। वेट, ये वही एरिया ना जहां पे शिलेट था, और वो देखो सामने से शिलेट और नाइटविंग दोनों ही मेरे पास आ चुके हैं, जिनसे मुझे यहां पे बैटल करना है। बट यार मुझे ना यहां पे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि जो अपना आर्मर है ना वो यहां पर डैमेज है। शिलेट मेरे सामने है और नाइटविंग जो था ना वो भी इस टाइम पे मेरे सामने है। रुको यार, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ना एक प्रिमिटिव वर्कबेंच बना के अपने जल्दी से ना एक क्लोथ या फिर एक आर्मर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई नाइटविंग यार प्लीज तू यहीं पे रुक जा, मुझे यार नाइटविंग को पकड़ना है। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ना यहाँ पर एक क्लोथ वगैरह बना के अपना एक आर्मर जल्दी से रेडी कर लेता हूँ। ये जो अपना आउटफिट है ना यही अपना आर्मर कहलाता है। बाकी एक सेकंड, नाइटविंग यहीं पे है। भाई प्लीज यार नाइटविंग कहीं जाना मत। चलो गाइस, तो जो अपना आर्मर था वो मैंने यहाँ पर पहन लिया है, और अभी टाइम आता है नाइटविंग को थोड़ा सा परेशान करने का। ओके, ये यहाँ पर आने वाला है। फिलहाल जो अपना डियर था ना उसे मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, और अभी के लिए इसकी मुझे मदद करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, इसकी मदद मुझे करनी पड़ेगी, ये तो मेरे पास आता जा रहा है। वेट भाई, ये डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रुको यार भाई, गलती से अगर मैंने शिलेट को मार दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वेट, जो अपना डियर था वो नाइटविंग को यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़े लेवल का डैमेज दे रहा है, और मैं भी यहाँ पर इस पे तीर कमान मार के इसको परेशान तो करने वाला हूँ। वेट भाई, एक सेकंड रुक जाओ, जरा हम लोग अभी इसको वापस लेकर आते हैं। अभी के लिए मैंने अपने पेंगुलेट को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि जो अपना डियर था वो डैमेज हो गया था। बट रुको, इसकी एचपी यहाँ पे काफी कम है, तो अभी ट्राई करते हैं इसको पकड़ने का। वेट, मुझे यहाँ पे मेगा स्पीयर यूज करना पड़ेगा शायद। वेट, एक मेगा स्पीयर वेस्ट हो गया यार। बट एक सेकेंड भाई, नाइट विंग को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। अबे यार गलती से मैंने एक मेगा स्पेयर फेंक दिया। भाई क्यों इतनी मुश्किल से मेगा स्पेयर मिलता है और मैंने गलती से उसे वेस्ट कर दिया। और ये नाइटविंग भी अजीब है यार, नॉर्मल वाले पेल स्पेयर से पकड़ा हो गया। भाई साहब दर्द हो रहा है दिल में, मतलब ठीक है नाइटविंग पकड़ा गया अच्छी बात है, वो भी नॉर्मल वाले पेल स्पेयर से, बट जो बड़ा मेगा स्पेयर था बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है वो फेंक दिया, और अब मेरे पास बस एक ही मेगा स्पेयर है। मैं सोच रहा हूँ कि नाइटविंग जो अपनी लिस्ट पे था उसे हम लोगों ने पकड़ लिया, तो शिलेट को भी पकड़ लें क्या? सोचते हैं। रुको यार, खाना वगैरह है ना मेरे पास। भाई मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि खाना मेरे पास ज्यादा है नहीं, बट जो अपने पैल्स है ना वो एकदम सही सलामत हैं, तो ठीक है रिस्क लेते हैं। चल बेटा शिलेट, एक और बार बैटल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। पेंगुलेट को फिलहाल मैंने यहाँ पे लड़ने के लिए निकाला है, और अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट इस बार
मैं यहाँ पे सामने से शिलेट को डैमेज देने वाला हूँ। मैं भूला नहीं हूँ कि शिलेट ने अपने साथ क्या करा था, बट मुझे ये ध्यान देते रहना है कि ज्यादा ये अपने पैल्स वगैरह को डैमेज ना कर पाए और मैं इसके अटैक्स को भी डॉज कर पाऊँ। ठीक है भाई, पैंगोलिट ने अटैक करना शुरू कर दिया, बट ये तो मेरे ऊपर अटैक कर जा रहा है। वेट, भैंस की टांग कितने अटैक करेगा? मान जा यार। भाई ये देखो, इसकी शक्ल ना मेरे ऊपर ही है और ये मेरे को अटैक कर रहा है। भाई पैंगोलिट को भी मार ले थोड़ा। बाकी ठीक है, इस बार शिलेट की एचपी हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा कम कर दिया है, बट ये मान नहीं रहा है, अभी भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। पैंगोलिट को भी कर ले भाई। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर भी फ्री हो चुका हूँ, थोड़ा सा और इसको अटैक्स के डॉज वगैरह करते हैं। वेट यार, इसके इस वाले अटैक से ना बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पैंगोलिट कमाल कर रहा है यार, इसने ऑलरेडी इसकी आधी एचपी डाउन कर दी है। ठीक है, अभी के लिए मेरे पे अटैक करेगा, बट इसके अटैक से बचना मुश्किल उतना भी नहीं है। ठीक है, 500 एचपी अभी इसकी डाउन हो गई है, इस पे भी मैं थोड़ा सा अटैक करता हूँ और इसको ना यहाँ पे फिर से फ्रीजिंग अटैक करने वाला है। बट अब मुझे पता है कि मुझे इससे बचना कैसे है। पैंगोलिट काफी ज्यादा सही कर रहा है यार, ये छोटू सा पोकेमोन इतना ज्यादा बढ़िया करेगा। भाई रुको, मैंने यहाँ पे गलती से इसकी एक डायरेक्ट हिट ले लिया, बट ठीक है, पैंगोलिट को भी जरा वापस बुलाते हैं और जरा टैंजी तू बाहर आना, अभी देखते हैं टैंजी कर पाएगा क्या। वेट यार, मैंने गलती से फिर से इसका एक डायरेक्ट हिट ले लिया, बट इस बार मैंने यहाँ पर टैंजी को बेचा है, देखते हैं कि टैंजी कुछ कर पाएगा। भाई मुझे लगता तो नहीं टैंजी कुछ ज्यादा कर पाएगा, बट ठीक है, मैं यहाँ पर जब तक हूँ ना देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बट रुको, शिलेट के यहाँ पे जो एचपी है ना वो काफी कम हो गई है, तो एक बार यहाँ पे मेगा स्पीयर फेंक कर देखते हैं। ओके, एक मेगा स्पीयर मैंने फेंक दिया है, अभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। वेट भाई, काम हो चुका है। पहले ही एपिसोड में हम लोगों ने एक बॉस टाइप पोकेमोन या फिर पैल को मार दिया है, शिलेट को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया है। क्या तगड़ी चीज हुई है, मतलब पहले ही एपिसोड में मुझे यहाँ पर शिलेट ने मारा था और पहले ही एपिसोड में प्रोग्रेस करके मैंने यहाँ पे शिलेट से बदला ले लिया है। जो मेरी हिटलिस्ट के अंदर दो पैल थे ना, यानी कि शिलेट और नाइटविंग, दोनों ही इस टाइम पर मेरी जेब में है यार। ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी चीज हो गई। अगर ये देखने के बाद भी आप लोगों ने लाइक नहीं कराया ना, तो भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी क्या देखकर लाइक करने वाले हो। जल्दी से लाइक के बटन को दबा दो। पहले ही एपिसोड में हम लोगों ने अपना रिवेंज कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ अपने पहले बॉस टाइप पैल को भी मार के अपनी जेब के अंदर रख लिया है। अब ये टी फैंट वगैरह मेरे सामने क्या है, इनको पकड़ के फेंक दूंगा साइड में भी मैं। बट यार एक चीज का मुझे दुख यहाँ पर हो रहा है कि जो अपना एक मेगा पैल था वो यहाँ पर वेस्ट हो गया। वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, वो अलग बात है, बट फिर भी यार किस्मत वालों को मिलता है, मुझे मिला था और वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, अच्छे लेवल के पैल्स हम लोगों ने पकड़ लिए, मुझे इस चीज की खुशी है। अब अगर ऊपर वाला मुझे यहाँ पे आसपास में कहीं मेगा पैल ऐसी फेंक कर दे दे तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा, बट लग नहीं रहा कि यार मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेगा पैल जो मुझे दो मिले थे वही बड़ी मुश्किल से मिले थे। एक को मैंने यहाँ पे शिलेट को पकड़ने में यूज कर लिया और एक मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। नाइटविंग फ्री में पकड़ा गया यार, बट कोई बात नहीं, फिलहाल एक काम करते हैं। यहाँ तक हम लोग आए थे, हमारा जो मेन टारगेट था इस एपिसोड का वो यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुका है। नाइटविंग को हम लोगों ने पकड़ लिया है, शिलेट से भी बदला लेकर हम लोगों ने उसे भी पकड़ लिया है। और अभी ना यहाँ पर थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे खाने का इंतजाम कर लेते हैं और फिर अपने बेस पर वापस लौटते हैं। बाकी वेट, ये देखो यार, हम लोग अपने बेस के काफी ज्यादा पास हैं। मुझे लिटरली अपना पूरा का पूरा बेस यहाँ से दिख रहा है। हम लोग अभी उस वाले पहाड़ पे हैं जो कि अपने घर के साइड से दिखता है, और ये देखो यार जो अपना बेस है वो यहाँ से कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे रात हो गई थी तो मैंने अपनी मशाल वगैरह निकाल ली है। एक सेकेंड, ये क्या है मेरे सामने, मुझे यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी फ्लो होती हुई दिख रही है। वेट, ये डार्क चेस्ट है क्या, ये क्या चीज है? रुको यार इसको खोलते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे इसको खोल लिया और मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं मिला, गोल्ड कॉइन और कुछ खाने के लिए ब्रेड। ठीक है, लेकिन सच में यार मानना पड़ेगा, पहली एपिसोड में ना हम लोगों ने इसको काफी ज्यादा मजेदार बना लिया है। मैंने यहाँ पर पहली एपिसोड में शिलेट को और नाइटविंग दोनों को पकड़ लिया है, बट अभी मुझे ये देखना है कि मैं नाइटविंग के ऊपर राइड कैसे कर सकता हूँ। जितना मैंने इस गेम के सर्वाइवल गाइड को पढ़ा है, मुझे ये पता है कि अगर मैं लेवल अप करूंगा तो उसके बाद ना मैं यहाँ पर नाइटविंग के ऊपर एक सैडल वगैरह लगा सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पे नाइटविंग को लेकर अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड में उड़ सकता हूँ। बट गाइज, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अगर नाइटविंग के ऊपर एक्जैक्टली ट्रैवल करना है तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं। वेट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस टाइम पे मेरे सामने यहां पर एक मेगा स्पीयर पड़ा हुआ है। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर ऊपर वाला मेरी यहां पे मदद करना चाहता है तो मुझे एक मेगा स्पीयर जमीन पे पड़ा हुआ दे दे, और भाई तुम्हारे भाई की बात ही अलग है यार, इसी बात पे जल्दी से लाइक कर दो। मानना पड़ेगा यार अपना गेम यहां पर ना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। बाकी हां, यहां पर रात हो चुकी है, और वेट, रात के टाइम पे यहां पे गेम के अंदर अलग पहल आते हैं क्या? मुझे यहाँ पर सामने एक डिप्रेसो नाम का पैल दिख रहा है, ये कैसा पैल है? मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको एक तीर मारते हैं, एंड यहाँ पर ना मैंने इसको अपने पास बुला लिया है। अभी के लिए जरा टेंजी बाहर आना, थोड़ी सी मुझे मदद चाहिए। ठीक है, दो दो डिप्रेसो यहाँ पे क्यों ट्रिगर हो गए? वेट यार, ये मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है। फिलहाल टेंजी रुक जा रुक जा रुक जा भाई, टेंजी यार गुस्से में मार ही देता है, बट ठीक है डिप्रेसो को। अबे यार पैल स्पेयर वेस्ट क्यों हो रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। एक लास्ट पैल स्पेयर फेंक रहा हूँ। अबे यार मेरे पैल्स पे आते सारा तो इधर उधर फेंकने की वजह से वेस्ट हो रहे हैं, बट ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पर अपना कैप्चर हो चुका है 100%। ओके,
एक और उसका दोस्त है वो मुझे वहाँ से मारने का ट्राई कर रहा है बट निकल यहाँ से। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करके सीधा अपने बेस पर लौटने वाला हूँ क्योंकि रात में मुझे यहाँ पर काफी सारे पैल्स दिख रहे हैं। वेट, ये मैल पैक है ना जिसको हम लोगों ने गेम के स्टार्टिंग में देखा था, वही 11 लेवल वाला और 10 लेवल वाला, ओके दोनों यहाँ पर है। वेट, मेरे पास स्पेल स्पेयर नहीं है भाई। नहीं यार, एक काम करते हैं हम लोग ना अभी घर वापस लौटते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ पर काफी सारे पैल्स मिल रहे हैं और अभी क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे गेम में थोड़े से स्ट्रॉन्ग पैल्स हो गए हैं, मैं यहाँ पर काफी सारे नए पैल्स को भी पकड़ सकता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है तो हम लोग अपने बेस पर लौट जाते हैं, वहां पर जाकर मुझे और भी बहुत सारे पैल्स स्पेयर वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट डे और भी तगड़े लेवल के पैल्स पकड़ पाए। वेट, वो क्या चीज है यहाँ पे? मुझे कुछ एक और डार्क एनर्जी वाला पैल दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है ना कि रात के टाइम में ना यहाँ पर कुछ अलग पैल्स आते हैं, शायद ये लोग रात में आते हैं। टॉम बैट, ओके भाई, ये भी मुझे पता है कि काम की चीज है, सर्वाइवल गाइड में ना मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है, बट ये एग्जैक्टली करता क्या है वो मुझे पता नहीं, बट ये भी ना काफी ज्यादा काम की चीज है। बट यार मेरे पास पैल स्पेयर नहीं है। वेट, ये भी अपने बेस के ना बहुत ज्यादा पास में है। अगर मैं भाई रुको, मुझे पैल्स पर बनाना पड़ेगा, अपनी वर्क बेंच यहीं पर है, फटाफट से ना मैं यहाँ पर कुछ पैल्स वगैरह बना लेता हूँ। ओके, 3 पैल्स मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। वेट, अबे यार ये क्या चल रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे इसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने बेस पे, एक सेकेंड भाई ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। वेट, मैंने यहाँ पर दो पैल्स पर मैंने बना लिया है। अभी के लिए काम करते हैं, जो अपने टेंसी वगैरह इनको बाहर निकालते हैं। वेट रुको यार, टूम बैट को मुझे पकड़ना है, टूम बैट है टॉम बैट है मुझे नहीं पता, बट रुको अपने हिरण को बाहर निकालते हैं, हिरण जरा मदद करना। ओके, टॉम बैट आई थिंक कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैल नहीं है, अटैकिंग इसकी अच्छी है, तो हाँ मैं ट्राई करने वाला उसको पकड़ने का। भाई अपना डियर क्या मार रहा है यार, रात के टाइम में मुझे ज्यादा दिख भी नहीं रहा है, बट ठीक है एचपी इसकी हाफ तो हो ही गई है। रुको यार, अपने ना यहाँ पे मैंने डियर को वापस बुला लिया क्योंकि जो टॉम बैट था वो ज्यादा ही दूर चला गया, थोड़ा सा उसको पास आने दो। आजा बेटा, मैं चाह ही रहा हूँ कि तू अपने बेस पे आ जाए, आजा बेटा सही आ रहा है, आजा आजा। ओके आजा, जरा पेंगुलेट बाहर निकल, पेंगुलेट तगड़ी चीज है भाई, इसको ना मैं ग्रो करूंगा, इसको बड़े लेवल का पेंगुलेट बनाऊंगा। भाई ये देखो, रात के टाइम पे भी क्या तगड़े लेवल के अटैक कर रहा है पेंगुलेट, बट ठीक है पेंगुलेट से भी मैं यहाँ पे सारा काम करवा देता हूँ, पेंगुलेट तगड़ी चीज है यार। गाइस कमेंट में जाके ना पेंगुलेट ओपी तो लिख ही देना क्योंकि जो उसके अटैक है ना, ये देखो उसने टॉम बैट को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। यार इसको पकड़ के ना, मतलब मेरा बेस्ट डिसीजन तो यही था, टॉम बैट की हेल्थ यहाँ पे काफी कम हो गई। पेंगुलेट थोड़ी सी और मेहनत कर दे, उसके बाद ना मैं इसको पकड़ लूंगा। रुको, अगर इसने गलती से टॉम बैट को मार दिया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक पैल्स पर मैंने फेंक दिया है, क्या ये एक पैल्स पर मैं ऑफ कोर्स नहीं पकड़ा जाएगा, थोड़ा सा और मैं तीर वीर मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं रात का टाइम है फिर भी थोड़ा सा तीर मारते हैं। वेट, एचपी कम हो गई है, अब एक बार ट्राई करते हैं इसको पकड़ने का। भाई अब पकड़ा, हो जा प्लीज, हो जा प्लीज, हो जा, कम ऑन एक और। ऑल राइट 100%, एंड टॉम बैट भी रात के टाइम पे हम लोगों ने पकड़ लिया। ये एक डार्क पैल था जो कि बस रात के टाइम पे बाहर आता है और लिटरली हम लोगों ने यहाँ पे इसको रात में ही पकड़ लिया है। फिलहाल एक काम करते हैं, रात यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुकी है, मैं यहाँ पर फटाफट से पहले एक बार सुबह करता हूँ और सुबह करके ना आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कर रहा है यार, सुबह करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन से पैल है। चलो गाइस, तो फाइनली यहाँ पर सुबह हो चुकी है, यहाँ पर सनराइज होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो देखो ऊपर वाली साइड से यहाँ पे रोशनी आ रही है और हम लोग अपने पैल के बेस पे वापस आ गए थे। फिलहाल ना एक काम करते हैं, मैं नजर आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या पकड़ा है। ये देखो नाइटविंग और ये देखो शिलेट। वेट, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं नजर इनको बाहर निकालता हूँ। शिलेट को हम लोग बेस पे छोड़ते हैं और नाइट विंग को भी हम लोग अपने बेस पे छोड़ते हैं। भाई ये देखो, मुझे देखकर लग रहा है ना कि जो अपना बेस है ना वो भी यहाँ पर इनके लिए काफी छोटा पड़ने वाला है। बट दो खतरनाक लेवल के पैल जिनका हम लोगों ने एपिसोड की स्टार्टिंग में डिसाइड करा था कि कैसे भी करके हमें इनको पकड़ना है, एक तो यहाँ पर अपने बेस पर आ चुका है और वो शिलेट जिसने हमें यहाँ पर गंदे तरीके से मारा था और ये यहाँ से मतलब डिस्पॉन हो गया था उस टाइम पे, बट इसको हम लोगों ने पकड़ लिया। एक सेकेंड, मैंने अभी गलती से कुछ वुड वगैरह उठा लिए क्या? अब यार मेरा बैग यहाँ पे भर चुका, बैग की कैपेसिटी को 500 करते हैं एंड एक और स्टैट पॉइंट है तो मैं यहाँ पर अपना स्टैमिना बढ़ा सकता हूँ और अपनी हेल्थ। वेट, अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं, भागने में काम आएगा और चढ़ाई वगैरह में भी काम आएगा, ठीक है। अपना बैग का यहाँ पे स्पेस काफी भरा हुआ है तो रुको यार, अभी के लिए जो अपनी चेस्ट है ना इसमें थोड़ा सा हम लोग सामान वगैरह खाली कर देते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट्स, ये मेरे पास कहाँ से आया पता नहीं, बट ठीक है यार अपने यहाँ पे चेस्ट भर गई है, रुको एक और चेस्ट बनाते हैं, यहाँ पे ना एक पूरा का पूरा स्टोरेज एरिया बना दूंगा मैं। डन, एक चेस्ट मैंने बना दिया है एंड आई थिंक एक और चेस्ट हम लोग यहीं पर बना सकते हैं क्या? वेट, ओके यहाँ पर भी एक चेस्ट बना दिया, काफी अजीब जगह है बट ठीक है। और ये देखो यहाँ पर अपना कैटीवा आ चुका है यार, इनको मैंने एकदम शुरुआत में पकड़ा था। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अपने बेस को अपग्रेड कर सकते हैं क्या, मुझे यहाँ पर एक कैंप फायर बनाना पड़ेगा और एक और पैल जो कि यहाँ पर काम करेगा उसे डालना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात
बात नहीं, ये लो यहाँ पर एक और वर्किंग पैल मैंने डाल दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर बस एक कैंप फायर बनाना है और अपना बेस अपग्रेड हो जाएगा। तो कैंप फायर हम लोग थोड़ा सा दूर बनाते हैं क्योंकि मुझे डर है कि अपना कोई ना कोई पैल यहाँ पे चल सकता है। आई थिंक ये जगह सही रहेगी। ठीक है, अपना ये काम भी यहाँ पर हो चुका है, अपना कैंप फायर यहाँ पे बन चुका है। और वेट भाई, इस कैंप फायर में मैं यहाँ पे खाना बना सकता हूँ, क्या बात है। मैंने यहाँ पर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं कौन सा पैल आकर अपनी मदद करने वाला है। वेट, नाइटविंग अपनी कोई मदद करेगा क्या? यार नाइटविंग यहाँ पे एक ड्रैगन जैसा है ना, आई थिंक अपने मुंह से आग निकालकर अपने खाने को जल्दी बना सकता है। बट नहीं यार, देखकर लग रहा है कि नाइटविंग का यहाँ पे अलग ही स्वैग है। ये बंदा यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं करता है, ये बस यहाँ पे अपने मतलब बेस को गार्ड करेगा। ओके, बेस यहाँ पे अपना फाइनली लेवल 5 का हो चुका है और यहाँ पर अभी एक और स्लॉट खुल चुका है। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर एक कैपरिटी भी है यार, इसको तो मैं भूल ही गया था। ये भी तो लेवल 10 की है, ये यहाँ पे क्या करती है भाई? ये देखो, इसको मैं बिल्कुल भूल गया था। मतलब एक 10 लेवल का पैल मैंने पकड़ा और मैं उसे भूल गया। ठीक है यार, होता रहता है। बट हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी पकड़ा था, ये भी यहाँ पर अपने बेस पर है। यहाँ पर अपना वो डीआर है जो कि यहाँ पे मतलब पकड़ने में हालत खराब हो गई थी। उसके अलावा यहाँ पर अपना टी फेंट वगैरह है। और वेट, अपने बाकी दो खतरनाक पैल्स तो यहाँ पर अपने जेब के अंदर है। यार सच में नाइटविंग को कैप्चर करने में ना काफी ज्यादा मजा आया, मुझे लगा नहीं था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। बट हाँ, तो गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं। फटाफट से जाकर कमेंट में ना नाइटविंग ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इस वाले एपिसोड का लाइक टारगेट है सिर्फ 5000 लाइक्स का, क्योंकि ये अपने मतलब पैल वर्ल्ड सीरीज का पहला एपिसोड था। तो फटाफट से जाकर ना आप लोग 5000 लाइक्स का भी टारगेट कंप्लीट करवा देना। एंड गाइस, आज वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि आई थिंक मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें वगैरह कर ली हैं पहले एपिसोड के हिसाब से। हाँ, वो बात अलग है कि अभी हम लोगों ने बस शुरुआत ही करी है, बहुत कुछ है जो कि अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लोर वगैरह करना है। हम लोग अपने बेस को भी बहुत ज्यादा तगड़े लेवल का अपग्रेड करने वाले हैं। और क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे थोड़े से अच्छे खासे पैल्स वगैरह आ गए हैं, तो हाँ यार, इनकी मदद से हम लोग अपने और बाकी बॉस लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल पैल्स को पकड़ने वाले हैं। बट क्योंकि अपना पहला ही एपिसोड था, तो इसलिए मैं चाहता था कि हम लोग इसमें कोई बड़े लेवल का पैल पकड़े। बट मुझे लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे पहले ही एपिसोड में नाइटविंग को पकड़ लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपने शिलेट को भी पकड़ लेंगे। बट चलो गाइज, आज वाले पैल वर्ल्ड के एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोगों ने पहले ही एपिसोड में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है और अब मेरा अगला मिशन होगा अपने नाइटविंग और शिलेट को नेक्स्ट एपिसोड में खतरनाक बैटल में यूज करना। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने जितने भी पैल्स वगैरह है ना, उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा और अपग्रेड करवाना। बट गाइज, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग यहाँ पर नाइटविंग के ऊपर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पर अपने बाकी पैल्स वगैरह को भी अपग्रेड कर सकते हैं, और क्या क्या है जो कि यहाँ पर मैं अपने पैल्स वगैरह के साथ में कर सकता हूँ, और ऐसा कौन सा खतरनाक पैल है जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ना चाहिए। तो चलो गाइज, मैं मिलता हूँ आप सभी से पैल वर्ल्ड और जीटीए के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग जाकर 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवाओ। और अगर आप लोगों को ये वाला पैल वर्ल्ड का वीडियो पसंद आया है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या पीस आउट।